आई होप आई एम ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो शुरू करें सेशन आज का। कोई डाउट पहले की किसी क्लास में? सर मेरे मेरे पीसी में ना प्रॉब्लम आ रही है, फ्लटर बेबर मतलब रिमूव हो जा रहा है, दिक्कत आ रही है, फ्लटर चल ही नहीं रहा। फ्लटर नहीं चल रहा है आपका? मैं बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ किया है सर, फिर भी नहीं चल रहा वो। क्या एरर क्या आ रहा है? वो सीएमडी में कमांड चला रहा हूँ, उसमें भी शो नहीं कर रहा। मैं अगर जावा जेडीके इंस्टॉल करता हूँ तो वो सही चल रहा है, गिट भी सही चल रहा है, एंड्रॉइड भी बढ़िया चल रहा है, उसके अंदर शो कर रहा है, पर फ्लटर शो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। फ्लटर की कमांड क्या शो नहीं कर रहा एक्सटर्नल प्रॉब्लम? हाँ एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रही है कुछ। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आपको एक राइट्स देता हूँ, अब अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे पता चल जाएगा कि गड़बड़ है का। राम सर को दिखा दिया आपने? हाँ सर, राम सर को मैंने भेजा था ग्रुप में। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सुनील, हाँ सर। हमने राम सर को दिखाया है? हाँ सर भेज, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था सर को, मैंने कमांड भी चला के दिखाई थी उनको वहां पे, तो सारी चीज वर्क कर रही है, बस केवल फ्लटर ही वर्क नहीं कर रहा। अब मैंने उसको मैं पाथ आपको ना व्यू सेट मैंने किया है, आपकी आपकी वीडियो देखी थी वहां पे मैंने पाथ सेट किया था उसे देख के, फिर भी नहीं चल रहा। आपको प्रेजेंटर बना दिया। एक बार जाना अपनी मशीन ऑन करना, अपनी स्क्रीन। अब मोबाइल पे हो गया? हाँ मोबाइल पे हूँ सर। मशीन पे होने चाहिए ना, कोई फायदा नहीं प्रेजेंटर बनाने का भी। फायदा नहीं है अब ना सर। जिसमें आपको, आप अपनी मशीन जब तक तो शेयर नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इशू है। आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो? सर विंडो है मेरे पास विंडोज 7, 32 बिट का है प्रोसेसर। 32 बिट है मशीन, तो माइट बी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 32 बिट होने की वजह से। उसका कोई इशू हो सकता है? मुझे तो यही इशू लग रहा है सर, 32 बिट का ही अब वो वर्क नहीं कर पा रहा। अब एक पहली बार चलाया तो चल गया था, मैंने किसी तरह इस इशू प्रॉब्लम सॉल्व करी, चल गया, उसके बाद नहीं चल रहा, उसके बाद तो फिर नहीं तो दिक्कत लगता ही कर नहीं रहा है, है। 32 बिट तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया। उस चक्कर में प्रॉब्लम कर भी नहीं पा रहा मैं कुछ उसके अंदर। यहाँ लिखा है कि 32 बिट का उनके पास करेंटली कोई प्लान नहीं है सपोर्ट का। ये प्रॉब्लम है आपकी, तो मशीन इशू है आपका। है हमारे पास है नहीं कोई प्लान 32 बिट के लिए। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? 64 बिट है यार, मेरे को तो लगता नहीं 32। मैंने तो कभी नहीं चलाया 32 बिट पे इसे। मैंने सब चीज 32 बिट की प्रोसेसर की डाल रखी है, एंड्रॉइड ये स्टोरी भी 32 बिट का डाल रखा है, ऐसा कोई नहीं कि मैंने हैवी डाल रखा लेकिन ये होता है ना, कुछ नई टेक्नोलॉजीज नहीं सपोर्ट करती ना। जैसे जावा की भी अगर मैं बात करूं तो जावा 8 के बाद आई थिंक 32 बिट पे सपोर्ट नहीं है उसका, तो ढंग से काम नहीं करता 8 के बाद। तो 8 आया था 2013 में, तो सोचो 2013 के बाद जावा ने बंद कर दिया 32 बिट पे सपोर्ट। समझ आ रही हूँ। बात? अब धीरे धीरे एंड्रॉइड, ये भी एंड्रॉइड स्टूडियो बंद कर रहा है वो तो, क्योंकि तो इस बार समझ का जो आता अपडेट आया इस बार तो 64 बिट का आया उसमें बस। हर जगह ही यार यही है। हाँ जी, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी सर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मैं सॉरी। ब्राउजर हाँ होगा। सर सॉरी है सर, यस सर। सर मेरे में भी एक प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं एक बार फ्लटर की कमांड चलाता हूँ ना तो सर ओपन ही होता रहता है, वो बंद ही नहीं होता सर। पास सेट कर रखा है तब भी सर, फ्लटर के ओपन ही होता रहता, मतलब नहीं समझा? मतलब फ्लटर की कमांड चलाता ना कमांड प्रमोट में सर, वहां आप पे ये जैसे चला के फ्लटर देखिए। लिखो, हाँ फ्लटर लिखूंगा तो वो स्टार्ट ही हो रहा, 3 सेकंड के बाद में स्टार्ट ही आता रहता सर। आप ये चला के देखो, फ्लटर हाइफन हाइफन वर्जन, ये क्या दे रहा है आपको? क्या ये वर्जन दिखा पा रहा है आपको? ये चेक करके देखो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्क्रीन में कुछ लैगिंग है। एक बार मैं ना री लॉग इन करता हूँ यार, कुछ लैग लग रहा है मेरे को। एक बार ना एक बार मैं री लॉग इन करता हूँ।
नहीं उससे कुछ नहीं, लॉगिन है ना अभी सर। इसमें सर मैंने वर्जन करके लिखा तो सर इसमें जो है ना खोलते ही जा रहा, 3 सेकंड का वेट करने के बाद में नीचे स्क्रीन कंटिन्यूअसली सर ओपन ही होती जा रही है सर कमांड प्रमोट में। एक मिनट दो मेरे को, मैं एक बार अपने लीव करके वापस आता हूँ, फिर मैं आपकी स्क्रीन देखता हूँ। ठीक है ठीक है, मेरी स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है। एक मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो एक काम करते हैं भाई, एक बार जो जो इश्यूज आ रहे हैं ना अभी जिन्होंने बताया इश्यू, मैंने राइट देता हूँ। सलमान ने बताया ना मुझे इश्यू। यस सर। ठीक है जी, एक मिनट रुको, आप मशीन पे हो ना अपनी? जी जी मोबाइल पे। ठीक है एक मिनट, मशीन पे हूं। ठीक है एक मिनट, मैं आपको ना राइट्स देता हूँ। आपका यूजर मैं देख रहा हूँ कहाँ है। ये मैंने आपको बना दिया प्रेजेंटर, अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। शेयर हो गई सर? नहीं अभी नहीं दिखी यार आपकी स्क्रीन, नीचे आ रहा होगा ना स्क्रीन का ऑप्शन। हाँ आप दिख गई। हाँ जी मैंने कर दिया सर। हाँ दिख गई है मुझे स्क्रीन आपकी, दिख रही है सर। सीएमडी खोल दो अपना। हर 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद सर ऐसे ही ओपन होता रहेगा सर। ये कुछ बोल रहा है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, अनेबल टू पब अपग्रेड फिल्टर टूल। ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है, बंद करना फिर से कंट्रोल से करो। अब आप सिर्फ यहां जाकर ना डार्ट टाइप करना है, इसे कर दो यस कर दो वाई। अब एक बार आप टाइप करो डार्ट, हाँ एंटर मारो। कर दिया मैंने सर। तो डार्ट भी नहीं मिल रहा है, कंट्रोल सी करो। अब एक काम करते हैं हम, आप मुझे लेके जाओ जहां फ्लटर आपका पड़ा है। ओके, जहां आपके मशीन में फ्लटर पड़ा है वहां जाते हैं। सिमिलर इशू आया हो या आ रहा हो चेक कर सकते हैं। ठीक है एसआरसी में, ठीक है फ्लटर। अब चले जाओ बिन में, इसके कॉपी करना सर इसे। हाँ इसे कॉपी कर लो इस बात को सर। ये मैंने सेट कर रखा था वहां पे तब भी, फिर एक बार वो क्रॉस चेक करो कि हुआ क्या है। ठीक है सर। प्लीज एडिट कर दो, एडिट ऑलरेडी है ना? ये सर पढ़ा हुआ है पाथ ऑलरेडी। सी ड्राइव एसआरसी फ्लटर बिन, ठीक है पाथ तो ठीक लग रहा है मेरे को। ऐसे ओके कर देते, अभी काम और करते हैं। जी बताइए। ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, अब आप वापस हो जाओ वहां पर जहाँ आपका जो रहा था ना कैश में, जाना बिन के कैश में। डार्ट एसडी के में इस पे क्लिक करो। डार्ट एसडी के सर। इसके बिन में अब इसे कॉपी कर लो इस बात को भी। कंट्रोल सी कर लो इसे। हाँ अब एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे।
इसी में सेट करना दोबारा से सर पाथ। हाँ अब एडिट करो इस पाथ को, यहाँ न्यू करके पेस्ट करो इसके नीचे। हाँ सर इसे डिलीट कर दो फिर? नहीं 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 पड़ा रहने दे, वो फ्लटर का है ये डार्ट का है। ओके कर दो। ओके सर इसे भी ओके कर दो। ओके कर दो इसे। अब नया टर्मिनल खोलना, पहले टर्मिनल बंद कर दो वाला पुराना वाला, अब नया खोल के देखते। अब टाइप कर दो सर डार्ट पहले डार्ट, क्योंकि डार्ट भी नहीं मिल रहा है ना आपकी मशीन पे। अब देखो डार्ट मिल गया है, अभी कह रहे गिट इज नॉट रिकग्नाइज्ड, अब इसे गिट नहीं मिल रहा है। अब आप कंट्रोल सी करो। जी कर दिया। यस कर दो और गिट टाइप करना अपनी मशीन पे। सिर्फ गिट, गिट नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। गिट इंस्टॉल किया आपने? गिट इंस्टॉल होगा ना, फ्लटर और डार्ट दोनों गिट को यूज करेंगे। तो गिट कहां पर नहीं किया था सर? गिट इंस्टॉल करो। गिट का मैंने सिर्फ फ्लटर ही डाउनलोड किया था सर। नहीं 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 गिट भी करना पड़ेगा यार, क्योंकि फ्लटर की डिपेंडेंसी है गिट के ऊपर। नहीं सर वीडियो में तो सर वही दिखा है, मतलब ना कि आपके मशीन में गिट होगा, वरना याद मैंने बताया भी था सेशन में ना कि गिट होना चाहिए, जाओ होना चाहिए आपके मशीन पे। गिट SCM टाइप कर दो। Git SCM. अब देखो यहाँ Git SCM यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए। नीचे आ रहा देखो। ठीक है तो आप इसे अब करते रहना, ठीक है डाउनलोड कर लेना। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी ठीक। अब इसके बाद आप चेक कर लेना, और जैसे शोएब ने कमेंट भी किया कि जावा 8 मतलब जावा 8 ही होना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जावा बहुत लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 14 या 15 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंड्रॉइड स्टूडियो का सपोर्टेड नहीं है। ठीक है गाइस चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज के सेशन को लेकर। हेलो मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई आप लोगों को? यस सर। पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है, ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास आज। एक मिनट गैस कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ जी तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा ये ऐसा आ रहा था कि स्क्रीन के टॉप पे मैसेज आ रहा था कि स्क्रीन, ठीक है अब मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का स्क्रीन दिख रही है, कि मेरे को आज हाईलाइट नहीं कर रहा है स्क्रीन, वरना आप लोगों की स्क्रीन मेरे को दिखती रहती है कि क्या विजिबल हो रहा है।
टुडे आज का देखो एजेंडा क्या है। अभी हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, कल ग्रीट ऐप भी बना ली थी हम लोगों ने, और इसके साथ साथ हम लोगों ने फ्लिपकार्ट का भी क्लोन करके देख लिया था, और बुक माई शो का के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ टेड का भी डिजाइन किया था। ठीक है, तो तीन डिजाइन हम कर चुके हैं और एक चौथा ग्रीट ऐप कर चुके हैं। तो आज का देखो, आज का एजेंडा क्या है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का जो एजेंडा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, तो सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि बैकएंड से कैसे कनेक्ट करके डेटा कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब हम डायनेमिक डेटा पे काम करने वाले हैं, यानी कि आज बिल्कुल हम ऐसे आने वाले हैं कि ऐप बनती कैसे, ऐप लेवल पे काम होता कैसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। तो आज हम क्या करते हैं, मैं आपको सबसे पहले एजेंडा सेट कर रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू टॉक टू सम बैकएंड एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम बैकएंड, और उसके बाद हम उस डेटा को दिखाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज, कुछ ऐसा होने वाला है हमारे पास कि हमारे पास कोई डेटाबेस है, ठीक है, और उसके ऊपर, यानी कि जो डेटाबेस है और उसके ऊपर कोई सर्वर बैठा होगा, एंड दैट सर्वर इज यूजिंग आइदर नोड जेएस वो यूज कर रहा होगा, या वो पीएचपी यूज कर रहा होगा, या वो पाइथन यूज कर रहा होगा, या वो जावा यूज कर रहा होगा, ऐसा कुछ वो यूज कर रहा होगा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, या हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन बैठी होगी, और फ्लटर की एप्लीकेशन इज गोइंग टू टॉक टू सम बैकएंड, तो वो जाकर बैकएंड से बात करने वाली है, वहां से डेटा कंज्यूम करने वाली है। तो दिस लेयर, इसको हम बोल रहे हैं दिस इज अवर बैकएंड लेयर। ठीक है, और ये जो हमारे पास फ्लटर की एप्लीकेशन, दैट इज अवर फ्रंट एंड लेयर। सो दिस इज अवर फ्रंट एंड लेयर। तो फ्रंट एंड लेयर बैक एंड लेयर से बात करने वाली है, और उसके लिए हमारे पास यहां बीच में HTTP या HTTPS सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल होगा हमारे पास, या तो हम HTTP यूज करोगे, हम HTTPS यूज करोगे। ठीक है, अब यहां से वी आर गोइंग टू सेंड सम रिक्वेस्ट, तो हम यहां से वी आर गोइंग टू सेंड सम रिक्वेस्ट एंड वी आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स, सम रिस्पॉन्स यहां पर गेट कर रहे होंगे। आप सबने कभी ना कभी अगर पढ़ाओ कि HTTP जो है या HTTPS जो है, दीज आर प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स है, और इन प्रोटोकॉल्स में एक मेथड होता है गेट। तो जब भी आपको डेटा रिट्रीव करना है, सिर्फ इंग्लिश ध्यान देना कि गेट का मतलब मांगना डेटा, तो जब भी आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, इट्स मोर लाइक अ रीड ऑपरेशन। तो जब भी आप डेटा रीड करना चाहते हो, इट्स यू नीड अ गेट। जब भी आप डेटा सेंड करना चाहते हो, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट इज लाइक अ इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो वी कैन टेक इट एज अ राइट ऑपरेशन। तो हमें मेजरली दो ऑपरेशन देख रहे हैं, एक रीड और एक राइट। तो जब भी हमें सर्वर पे कुछ राइट करना है, जैसे कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसका मतलब हमें राइट करना है वहां जाकर। ठीक है, जैसे कि हमें पेमेंट करनी है, तो वो भी हमारे पास क्या है, राइट करना है। हमें लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स लेकर आने हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं, सिंगल प्रोडक्ट लेकर आना है, ये सब मेरे लिए गेट है, क्योंकि मैं सब पे क्या कर रहा हूँ, डेटा रीड करने की बात कर। तो आपको ऐसा समझना है, गेट का नाम देते हैं हम रीड, और पोस्ट का हम बोल देते हैं राइट, या हम उसे बोल सकते हैं इंसर्ट भी, कि हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स हमें डिफाइन किए गए कि हम कैसे डेटा पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी मेथड होते हैं, जैसे कि पुट, जब भी डेटा अपडेट करना है, जैसे मेरे को अपना पासवर्ड अगर चेंज करना है तो अपडेट है, और अगर मेरे को डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट नाम से मेथड होता है। तो ये सब मेथड HTTP के हैं, इसका कोई फ्लटर से लेना देना नहीं है, यूनिवर्सल मेथड्स है। तो इनको हम ब्रॉडली एक वर्ड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड CRUD, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रिएट की, तो क्रिएट का मतलब हमारे लिए है दैट इज पोस्ट, रीड का मतलब हमारे लिए गेट, यू का मतलब अपडेट का मतलब है पुट, और डिलीट का तो नाम ही डिलीट है। ठीक है, तो हम सर्वर से जब टॉक करते हैं तो हम चार तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं CRUD। ठीक है, आई होप सबको मेरी बात समझ में आई, CRUD का मतलब क्या है। तो हमें अब जब बात करनी है इसके थ्रू, तो सर्वर पे जो डेवलपर बैठा हुआ है उसका काम क्या हो गया, उसका काम हो गया वेब API को बिल्ड करना। तो सर्वर साइड का डेवलपर बेसिकली क्या बिल्ड कर रहा है, इट इज बिल्डिंग अ वेब API। ठीक है, वो वेब API बिल्ड करेगा। ठीक है, एंड दिस API वी आर गोइंग टू कंज्यूम, तो हम उस API को कंज्यूम करेंगे। तो हम उसे वेब API बोले या हम उसे
वेब सर्विस बोले बात बराबर। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है। तो इसका मतलब सर्वर साइड का जो डेवलपर होगा वो हमारे लिए एक एपीआई एक्सपोज करेगा और उस एपीआई का हमारे पास यूआरएल होगा। तो इसका मतलब हम उस यूआरएल को हिट लगाएंगे और डेटा रिट्रीव करके यहाँ लेकर आएंगे और डेटा यहाँ दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे? इसके बेसिस पे हम ऐसी एप्स बना पाएंगे जैसे क्रिकेट का स्कोर दिखाना, हमें वेदर की कोई ऐप बनानी है। ठीक है, तो अगर हमें कोई वेदर के बारे में दिखाना है, या फिर हमें सपोज मान लो कोई सॉन्ग्स या म्यूजिक जैसी कोई ऐप बनानी है तो म्यूजिक भी वहीं से आएगा। हमें कोई शॉपिंग बनानी है तब भी डेटा सर्वर से आएगा। तो आपको समझ जाए, जितनी भी एप्स की हम बात कर रहे हैं सबकी सब इसी के थ्रू बिल्ड होगी। ठीक है, तो हम भी आज एक टारगेट करते हैं कि हम भी एक ऐप बनाते हैं जिससे ये क्लैरिटी मिले हमें कि बाकी सारी चीजें हो कैसे रही है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है मेरी बात। तो इन सबके लिए तुम्हें बैकएंड से कनेक्ट होना जरूरी है, तभी तुम ऐसी ऐप बना सकते हो, तभी तुम डेटा रिट्रीव करके लेकर आ सकते हो। तो उसका मतलब बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए ये थॉट प्रोसेस होना जरूरी है कि बैकएंड पे, ये जो बैकएंड है हमारे लिए, दिस इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, ये हमारे ब्लैक बॉक्स है। इंटरनली क्या लॉजिक लिखा है वी रियली डोंट नो। हमें सिर्फ क्या मिलेगा, वी गेट अ यूआरएल, हमें यूआरएल मिलेगा और हम उसे कॉल लगाएंगे और हमें रिस्पॉन्स में जेसन मिल सकता है या एक्सएमएल मिल सकता है। ठीक है, जो ब्रॉडली यूज हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेसन हमें मिल रहा होगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आई बात। ठीक है, आप इन सब चीजों को बहुत सारे नामों से बुला सकते हो, आप इसे वेब एपीआई बोल दो, वेब सर्विस बोल दो, एंड पॉइंट्स बोल दो कि भाई हमारे लिए एंड पॉइंट है, उसे कॉल लगाएंगे, उसके बेसिस पे डेटा आ जाएगा हमारे पास। आई होप यहां तक मेरी बात सबको डाइजेस्ट हुई है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हम वेब सर्विसेस बिल्ड कर रहे हैं कि हम वेब सर्विसेस कैसे बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब आए थे हम कि हमें समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली अ वेब सर्विस फॉर अस। सो वेब सर्विस किसके लिए? वेब सर्विस है प्रोग्रामर टू, तो हम ऐसा बोल देते हैं प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर कंजप्शन, क्योंकि यहां जो प्रोग्रामर बैठा है दैट इज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर है। ठीक है, और यहां पर भी एक प्रोग्रामर बैठा है दैट इज अ बैक एंड डेवलपर, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए बैक एंड डेवलपर ने अपने लिए इससे बात करने के लिए क्या बनाई है, वेब सर्विस लिखी है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इंटरऑपरेटेबिलिटी हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये वर्ड यूज करना, लैंग्वेज इंटर ऑपरेटेबिलिटी हमें यहां मिल जाती है। तो इसका मतलब नाउ टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैन टॉक टू ईच अदर बाय यूजिंग अ वेब सर्विस और वेब एपीआई। तो अब हम क्या करते हैं, वैसे कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं कि वी आर गोइंग टू यूज दिस वेब सर्विसेज इन दीज थिंग्स। तो यहां पहुंचे हम, और यहां पहुंच के आई जस्ट ओपन माई ब्राउजर, और मैं जैसे आपको दिखाता हूँ क्रिक एपीआई। ठीक है, तो एक क्रिक एपीआई है, अगर हम उसे यूज करते हैं दिस वन, तो क्रिकेट का ये एपीआई है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम इसे कॉल लगा सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट हमेशा एंड यूजर के कंजम्पशन के लिए होती है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, उसे कोई वेबसाइट विजिट करनी है, जैसे हम लोग भी वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वेबसाइट एंड यूजर के लिए, लेकिन वेब सर्विस प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर के लिए। तो क्रिक एपीआई इसीलिए बनाया गया ताकि आप क्रिकेट के किसी एपीआई को कॉल लगा सको। ठीक है, सो इफ वी जस्ट गो हेयर, आई जस्ट लॉग इन इट हेयर, मैं यहाँ जाके लॉग इन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ अकाउंट बनाने के लिए जस्ट लॉग इन विद साइन अप विद गूगल। तो जैसे मैं यहाँ पर गूगल से साइन अप करता हूँ, तो ये मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ से एक अकाउंट बिल्ड कर दिया। ठीक है, वंस आई गेट लॉग्ड इन, जैसे मैं यहाँ लॉग्ड इन हो गया तो मैं इसका मेंबर हूँ। ठीक है, इसने मुझे की दी, अगर आप देखोगे ना तो दिस इज माई की, इसके बेसिस में मैं इसे कॉल लगा सकता हूँ। सो व्हाट आई वांट कि आई जस्ट गो हेयर, crickapi.com पे हम जाते हैं, एंड फ्रॉम हेयर अगर हम देखें तो यहाँ बॉटम पे देर इज एन ऑप्शन ऑफ स्टार्ट यूजिंग, और यहाँ पर ना बहुत सारे डेटा है, जैसे कि अपकमिंग मैचेस का डेटा देखना चाहते हो, ओल्ड मैचेस का डेटा देखना चाहते हो, मैच के कैलेंडर देखना चाहते हो, प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेकर रखते हो। जैसे मैं मैचेस के बारे में देखना चाहता हूँ, सो फॉर मैचेस आई जस्ट कॉपी दिस यूआरएल एंड पेस्ट इट हियर, मैं यहाँ जाके इसे पेस्ट करता हूँ। देखो उसने कुछ मुझे एरर दिया, कहते हैं आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एपीआई की नहीं है। तो मेरे पास एपीआई की है, सो दिस इज माय एपीआई की, तो आई जस्ट डू कंट्रोल सी एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट पेस्ट दिस थिंग, मैंने यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन लगे, मेरे पास आने लगे क्रिकेट के मैचेस की। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस डेट के हिसाब से मैचेस आ रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल करना शुरू करें तो हमें बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप देखो तो आजकल जो चल रही है वो आप सब किसी जो क्रिकेट देखता हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज के बारे में इसने दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड जहां जहां जिस भी तरीके के मैचेस चल रहे हैं उन सब का इसने जेसन दे दिया। तो अगर आप देखो तो बहुत बड़ा जेसन मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखना शुरू करें कि ये जो हमारे पास मैचेस का जेसन आ रहा है, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मेरे पास जेसन आ रहा है, तो इसका असली मतलब क्या है? अगर हम जेसन की बात करें तो जेसन की वैल्यू पेयर में है, तो ये भूलना नहीं आप लोगों को कि जेसन जो हमें दिखता है तो यहां पर ये की है, फिर कॉलन करके वैल्यू है। तो आपको ध्यान देना है ऐसा करली ब्रैकेट की और देन कॉलन वैल्यू, ये फॉर्मेट है इसका, फिर कॉमा की कॉलन वैल्यू, इन दिस फॉर्म इट इज रिटर्न। तो अगर आप देखो तो डेट इज अ की एंड कॉलन के बाद जो आपके पास दिख रहा है दैट इज अ वैल्यू, फिर कॉमा करके की एंड देन वैल्यू, सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, करली ब्रैकेट फिर की फिर कॉलन फिर वैल्यू फिर कॉमा फिर की फिर कॉलन वैल्यू। तो ये दिस फॉर्मेट इज बेसिकली आ जेसन फॉर्मेट। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, सो जे एस इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें डेटा देना शुरू कर रहा है। सबको क्लियर है? तो इसका मतलब हमें समझ आया क्रिकेट का डेटा लाने के लिए हमारे पास एक क्रिक एपीआई है, और हम इसके लिए ये इस तरीके से हम इस डेटा को लाकर मैचेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन ये जो हम जेसन देख रहे हैं, जेसन हमारे किसी काम का, आई मीन एंड यूजर के किसी काम का नहीं, डेवलपर के तो काम का है। तो हमें समझ में आया कि जब फ्रंट और बैक एंड डेवलपर बात करेंगे तो यहां से हमें एट द एंड जेसन मिल जाएगा, और जेसन हमें समझ आ गया कि की और वैल्यू की फॉर्मेट में डेटा रखेगा। तो कॉमा की कॉलन वैल्यू के फॉर्मेट उसने डेटा रखा, और हमें ये भी समझ आया कि जो जेसन है वो असल में एक स्टाइलिंग है डेटा को सेंड करने की, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जब भी हम इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराएंगे नेटवर्क पे जो ट्रांसफर होगा दैट इज जेसन, तो जेसन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और दोनों लैंग्वेजेस यानी कि बैक एंड डेवलपर भी और फ्रंट एंड डेवलपर दोनों की लैंग्वेजेस में जेसन का सपोर्ट होता है। तो फ्लटर के पास भी जेसन का सपोर्ट है, तो फ्लटर अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो तब भी जेसन का सपोर्ट है, और सपोज यहाँ अगर हम नोड जेएस यूज कर रहे हैं तो इसके पास भी जेसन का सपोर्ट है। तो जब भी हम डेटा कम्युनिकेट करेंगे ओवर द नेटवर्क जेसन जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। तो अब क्या करना चाहिए हमें, हम यहां से अपनी एक एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं एक नए तरीके की, तो एक मजेदार लिखते हैं कुछ। तो एक एपीआई शायद आप सबने नाम सुना हो, गिफी एपीआई, तो शायद आपने नाम सुना उसका गिफी का। तो जो गिफी है वो बेसिकली आपके है ना व्हाट्सएप में देखोगे तो आप वहां बहुत यूजर होता है। व्हाट्सएप में आप इमेजेस भेज सकते हो, नीचे आप देख सकते हो स्नैपचैट स्नैपचैट ट्विटर सैमसंग फेसबुक एडोबे टिकटॉक पेपाल स्लैक, बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी जगह ये बहुत पॉपुलर है, तो हम इसी एपीआई को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इसी एपीआई को यूज करने के लिए आपको यहां जाकर, तो नीचे आप लिस्ट पढ़ते पढ़ते जा सकते हो कौन कौन इसे यूज कर रहे हैं, इसमें देख रहे हो व्हाट्सएप भी है। ठीक है, तो यहां चल जाते हैं हम गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे जाके आई जस्ट डू लॉग इन, मैं यहां पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने एक अकाउंट बनाया सबसे पहले इस पे इसे यूज करने के लिए, तो मैं लॉग इन करता हूँ और वंस आई गेट लॉग्ड इन, तो देखते हैं जैसे ये लॉग्ड इन हो जाता है तो मैं गेट स्टार्टेड पे चल जाता हूँ। लेकिन लॉग इन इसने किया नहीं है, एक बार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसने देखो लॉग इन कर दिया इसने, ये मेरा लॉग इन आई डी, इससे मैं लॉग इन। और लॉग इन हो जाने के बाद मुझे एक एपीआई की मिलती है, दिस इज माई एपीआई की, तो मैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस की को और यहाँ रख लेता हूँ। तो अगर मेरे को बैक एंड से बात करनी है तो आई नीड अ एपीआई की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज अ एपीआई की। एपीआई की इसलिए ताकि वो मुझे रिकोगनाइज कर सके, तो एपीआई की किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वो मुझे रिकॉग्नाइज कर सके, दैट्स व्हाई आई नीड एन एपीआई की। ठीक है जी, हमें समझ में आ गई बात। अब आते हैं वापस, अब गिफी को यूज करने के लिए वी नीड टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये थंब रूल समझ लो, अगर तुम्हें किसी बैकएंड से बात करनी है, तुम्हें फुटबॉल का डेटा लेकर आना है, तुम्हें क्रिकेट का डेटा लेकर आना है, तुम्हें न्यूज का डेटा लेकर आना है, तुम्हें डिक्शनरी का डेटा लेकर आना है, तो सोचो तुम्हें न्यूज की एक ऐप बनानी है, तो न्यूज की तुम लोगों ने इन शॉर्ट्स का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तो इन शॉर्ट्स न्यूज की एक ऐप है जो न्यूज में से क्रक्स निकाल के, यानी कि उसमें से जो मेन हेडलाइंस है उसे निकाल के दिखाना शुरू करता है, तो आप शॉर्ट में न्यूज पढ़ सकते हो। तो ऑब्वियस ये बात है वो न्यूज के किसी एपीआई को यूज करता होगा बिहाइंड द सीन। तो अगर आप यहाँ गूगल करो तो न्यूज एपीआई नाम से आपको न्यूज का एपीआई है। तो अगर आप कोई ऐसी ऐप बनाना चाहते हो जिसमें आज की लेटेस्ट न्यूज दिखनी शुरू हो तो आप न्यूज एपीआई को यूज कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो ये ऐसा एपीआई जो वर्ल्ड वाइड न्यूज देता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एपीआई पेड होते हैं, ये भी पेड है, तो फ्री हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ना डिले देगा न्यूज में। तो अगर आप
यहाँ जाते हो इसके गेट स्टार्टेड पे, या आप इसके प्राइसिंग पे चल जाता हूँ पहले मैं। तो प्राइसिंग पे देखो तो डेवलपर के लिए कोई चार्जिंग नहीं है, जैसे अभी हम डेवलप कर रहे हैं कोई चार्जिंग नहीं है, टोटली फ्री। लेकिन वो बोल रहा है कि फॉर ऑल टेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल और कमर्शियल पर्पस फॉर अप टू वन मंथ, एक महीने के लिए आपको फ्री दिया गया, लेकिन न्यूज के बीच में एक घंटे का डिले है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो रियल टाइम न्यूज आए तो ये उसके चार्जिंग है जो वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ताकि अगर आपको ऐसी ऐप बनाकर लॉन्च करना चाहते हो प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जिसमें लेटेस्ट न्यूज दिखे जो कि रियल टाइम हो, जैसी अपडेट हो आपके पास न्यूज आ जाए, तो यहां इन्होंने बताया कि अगर आप देखो तो 250,000 रिक्वेस्ट पर मंथ इंक्लूडेड है इसमें, और ये उसके कुछ चार्जेस है जो इसने ऊपर हाईलाइट करके $449, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। तो गिफी पे आ रहे हैं हम, गिफी हमें फ्री मिल रहा है इसलिए हम गिफी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे डिक्शनरी के लिए भी एपीआई है, तो अगर आप जाओगे तो देर इज एन एपीआई कॉल्ड वर्डनिक, तो आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर डिक्शनरी, अगर आप अपनी डिक्शनरी बनाना चाहते हो खुद की तो वर्डनिक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से अपनी खुद की डिक्शनरी बिल्ड कर सकते हो, तो लेकिन थॉट प्रोसेस सेम है। तो मैं गिफी से शुरुआत करता हूँ, फिर यू कैन बिल्ड न्यूज एपीआई, यू कैन आई मीन यू कैन क्रिएट न्यूज ऐप, यू कैन क्रिएट डिक्शनरी ऐप, अलग अलग तरीके की बहुत सारी ऐप बना सकते हो अगर ये आइडिया समझ आ जाता है। तो अब आते हैं यहाँ डॉक्स की तरफ। मैंने बताया ना आपको, डॉक्स पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, सेम हर एक की डॉक्यूमेंटेशन है। वर्डनिक वालों की अलग डॉक्यूमेंटेशन, न्यूज एपीआई की अलग डॉक्यूमेंटेशन है, क्रिकेट की अलग डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैंने लगभग सबकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है। तो अगर हम यहाँ जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एपीआई एंड पॉइंट्स। इसका मतलब जो भी एपीआई लिखता है वो अपने एंड पॉइंट्स बनाता है, एंड पॉइंट्स का मतलब वो अपने यूआरएल्स बनाता है। तो सपोज मैं यहाँ जाता हूँ सर्च एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक सर्च का एंड पॉइंट है और यहाँ इन्होंने एक यूआरएल अपना दिया है। तो मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, ध्यान देना, और यहां से कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये कुछ आ गया, कहता है नो एपीआई की फाउंड, कहता है मेरे को एपीआई की चाहिए। तो हम यहाँ जाके पढ़ते हैं, इसने बताया कि एपीआई की नाम से एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं यहां जाता हूं और क्वेश्चन मार्क करके एपीआई की देता हूं, और एपीआई की में ये मेरी की थी, इसे कंट्रोल सी करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने एंटर किया। अच्छा जी, अब इसने कुछ मेरे को बोला है कि आपने एपीआई की तो दे दी, आप ढूंढना क्या चाहते हो बताओ। तो ढूंढने के लिए मैंने बोला क्यू दिया इसने, क्यू का मतलब क्वेरी है। तो यहां जाकर आई एम सेइंग एम्परसन क्यू इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं यहां सपोज स्पेसिफाई कर दो आयरन मैन, मैंने पहले कभी भी ढूंढा होगा इसे। तो देखो आयरन मैन का डेटा आना शुरू किया। अब जो आयरन मैन का डेटा आ रहा है वो कितना चाहिए मेरे को, तो यहाँ लिमिट नाम का फीचर होता है। तो अगर मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं एम्परसन लिमिट, और लिमिट में कर दो 5, तो 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे उसके, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड मेरे को दिखने शुरू है। अब प्रॉब्लम यही है ना, इतना रीडेबल नहीं है, बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से रीड नहीं कर पाते हम इसे, क्योंकि सब कुछ है ना वर्ड रैप हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छे से दिखता नहीं है। अगर आप चाहते हो फॉर्मेटेड वे में दिखे ताकि आप हर की वैल्यू को ढंग से रीड कर सको, तो मैं आपको टूल सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मशीन पे टूल डालो, दैट इज कॉल्ड पोस्टमैन। तो आप इसे डाउनलोड करो, तो पोस्टमैन, और यहां लिख देते हैं हम डाउनलोड। तो ये क्रोम की एक्सटेंशन टाइप टूल है और ये बेस्ट टूल है वेब सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बैकएंड से कनेक्ट करते हो यहाँ, तो आप बैकएंड की पहली चीजों को अपनी ऐप में मत यूज करो, आप उसे पोस्टमैन से टेस्ट कर लो। तो आप पोस्टमैन यूज करो, उससे वहां जाकर इसे टेस्ट कर लो, ठीक है। पोस्टमैन से टेस्ट करने के बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि जो बंदा है बैकएंड वाला, इसकी वेब सर्विस जिसे मैं यूज करने वाला हूँ चलती भी है नहीं चलती, समझ लो। अगर पोस्टमैन से वो आपके रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स आपको करेक्ट देता है, दैट मींस इट दैट सर्विस इज वर्किंग, एंड इफ दिस सर्विस इज वर्किंग सो आई कैन कंज्यूम इट इन द फ्लटर, तो मैं जाकर उसे फ्लटर में कंज्यूम कर सकता हूँ। मेक सेंस, सबको मेरी बात समझ में आई है? तो दैट्स व्हाई वी नीड अ पोस्टमैन। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाई यू आर यूजिंग अ पोस्टमैन, सो आप यू आर सेइंग कि किसी ने वेब एपीआई बनाया या वेब सर्विस बनाया, आई एम गोइंग टू कंज्यूम इट, टू कंज्यूम दिस वेब सर्विस, टू टेस्ट दिस वेब सर्विस आई जस्ट यूज अ पोस्टमैन, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मेटेड वे में हमें दिखना शुरू जाएगा, और ये बहुत पॉपुलर टूल है मार्केट में, जैसे प्रथम ने बोला कि बेस्ट वन है, ठीक है। तो आप यहां से जब पोस्टमैन को डाउनलोड करोगे, तो देखो यहां आ रहा है पोस्टमैन एंड डाउनलोड द ऐप, वंस इट इज गेट डाउनलोडेड, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मेरी मशीन पे है पोस्टमैन, तो मैं यहां जाता हूं, दिस इज द पोस्टमैन, ये आ गया, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव दिस पोस्टमैन टूल, और यहां जाकर मैं सब क्रॉस कर रहा हूं। तो यहां अगर आप देखो तो मेरे पास कुछ iTunes का डेटा, मैंने कभी टेस्ट किया होगा, तो मैं इस टाइम पे ये वाला डेटा टेस्ट कर जाता हूं, कंट्रोल सी करते हैं इसे, और ध्यान देना यहां ना गेट आ रहा है, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा है कि इट इज गोइंग टू टेक अ गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि मंगा रहे हैं, और यहां वो मांग रहा है आपसे यूआरएल डाल दो अपना, ठीक है।
यहां अगर आप देखो तो यहां आपको रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां जाकर अपना URL स्पेसिफाई करते हैं। तो आई जस्ट डू गो हेयर एंड डिलीट दिस एंड पेस्ट इट, ये मैंने पेस्ट किया एंड देन सेंड का बटन प्रेस कर देते हैं। सेंड का बटन प्रेस कर देख रहे हो थोड़ा सा फॉर्मेटेड आ रहा है, ठीक है, फॉर्मेटेड है। कंपेयर करोगे अगर तुम जहां हम देख रहे थे इट इज नॉट वेल फॉर्मेटेड, तो ये वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में आपको डेटा दिखा रहा है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि फॉर्मेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर। तो वापस आते हैं यहाँ पर, तो हमें दिखा कि वी हैव दिस डेटा, तो ये डेटा हमें दिख रहा है। और अगर हम इस डेटा पे ध्यान से देखें तो दिस डेटा इज लुक लाइक कि यहां अगर हम इस डेटा को देखेंगे सो दिस डेटा इज अ की, और अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एरे, सो दिस एरे कंटेन्स मल्टीपल फोटोज और मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ आयरन मैन, क्योंकि हमने आयरन मैन का डेटा ढूंढा था, ठीक है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप देखो तो बहुत सारी इसने इंफॉर्मेशन दी है। तो हम इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं फिर इसका डेटा देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये सबको डाइजेस्ट हुई बात, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई कि ये कैसे हम इसे यूज करने वाले हैं। अब इसे हमें काम करते हैं, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन किया हम लोगों ने, स्क्रॉल डाउन करते करते अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप सबको आज डालनी होगी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने की, कि किसी भी ईपीआई को यूज करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करो। तो हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखो आपको एक फीचर मिल रहा है इमेजेस का, तो हम देखना चाहते हैं कि इमेजेस दिखाओ आयरन मैन की। इसमें एक फीचर मिल रहा है ओरिजिनल का, ठीक है, ओरिजिनल में एक फीचर मिल रहा है यूआरएल का, बस हम इस यूआरएल को यहां से जाकर कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहां तक मैंने इसे कंट्रोल सी कर लिया है और मैं यहां से आपको पहुंचा देता हूं यहां, और इसे कंट्रोल वी कर देते हैं, डबल कोट्स हटा देते हैं, एंटर मार देते हैं, ठीक है। ये देखो जी, ये आ गए हमारे पास पिक्चर आयरन मैन की, समझ लो, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, बिकॉज इसने बोला एरे है, तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर से जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगला ओरिजिनल ढूंढते हैं कि अगली बार फिर से इमेजेस होगा। तो ये तो एक ही चल रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, तो देखो फिर से एक शुरू हुआ, इसमें इमेजेस मिला, इसमें ओरिजिनल मिला, और इसमें भी एक जिफ है, इसको भी हम कंट्रोल सी करते हैं। तो ये सेकंड है क्योंकि 5 इमेजेस मंगाई हमने उससे, तो दिस इज सेकंड वन, ठीक है। तो ये हमें तो ये हमें मिला आयरन मैन की इमेज, ठीक है, तो आयरन मैन आयरन कर रहा है, तो हमें समझ आया कि दिस इज अ सेकंड इमेज। तो हमें दिख रहा है कि दिस गिफी इज गिविंग लॉट ऑफ इमेजेस, हमने अभी 5 मंगाई, इसने हमें 5 दी। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि हम एक अपनी ऐप लिखे, तो अब ध्यान देना हम लोग इसको कैसे कंज्यूम करके हम अपनी ऐप लिख सकते हैं, उस पर आते हैं। तो व्हाट आई वांट कि हम जाकर एक ऐप बनाए विच इज होल सोल रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब, कि वो कुछ ऐसा करके आए कि अपने पास ऐप हो, उस ऐप में अपने पास यहां सर्च का ऑप्शन हो, एक सर्च बार हो ऐसा, ठीक है, और ये सर्च का आइकन है। यहां बंदा टाइप कर दे अगर आयरन मैन और सर्च का बटन दबा दे तो डायनेमिकली इमेजेस आनी शुरू हो जाए आयरन मैन की, समझ लो बात। और अगर वो जाकर आयरन मैन की जगह लिख दे सुपरमैन तो आनी शुरू हो जाए सुपरमैन की, अगर वो लिख दे स्पाइडरमैन तो आ जाए स्पाइडरमैन की। तो इट्स ऑल अबाउट कि वो क्या लिखने वाला है, ठीक है, कुछ भी लिख दे सर्च कर दे, तो हम इनडायरेक्टली क्या बना गए, देखो अगर देखने में ऐसा लगेगा कि हमने इमेज का ना सर्च ऐप बना दिया। आप कोई भी इमेज अपनी सर्च करके यहाँ दे सकते हो, कोई भी, क्योंकि हम गिफी को कॉल लगा रहे हैं बिहाइंड द सीन, तो हम तो कॉल लगाएंगे गिफी को। अब लर्निंग क्या है कि फ्लटर गिफी से कैसे बात करता है, तो हम यहाँ पॉइंट्स लिखते हैं कुछ कुछ जो यहाँ हम सीखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास, फ्लटर टॉक टू गिफी, ठीक है, गिफी एट द एंड इज व्हाट, गिफी को हम क्या बोल रहे हैं, गिफी इज अ वेब सर्विस और अ वेब एपीआई, सो इट इज सपोज टू कॉल दिस, दिस इज राइट नाउ इट्स अ क्वेश्चन मार्क। हाउ नाउ, अगर यहां से डेटा आएगा तो इट मींस वी गेट जेसन एज अ रिस्पॉन्स, सो जेसन रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट इंटू डार्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे डार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। जब डार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो डायनेमिक डेटा आएगा, तो डायनेमिक डेटा हाउ इट इज रेंडर इन ऐप, वो भी कैसे डायनेमिकली, क्योंकि हमें नहीं पता कितने आएंगे, तो पहले तो हम क्या करते थे, रोज बनानी है, हमें पता होता था 2 रो बनानी है 4 रो बनानी है, तो हाउ इट इज कमिंग, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क।
तो इन सारे चीजों का हम आंसर कर रहे हैं इसके अंदर बिहाइंड द सीन। सबको डाइजेस्ट है मेरी बात? देखो कोई डाउट है, कोई क्वेरी तो पूछ लेना गाइस। अच्छा प्रथम लैगिंग आ रही गाइस कुछ क्या? प्रथम ने बताया या प्रथम की साइड में आ रही सर लैगिंग? आई जस्ट वांट टू नो। सर लैगिंग आ रही है। आ रही है लैगिंग? आ रही है सर, आ रही है। एहसान ने बोला नो लैग, कोई लैगिंग नहीं आ रही। नहीं सर मेरे एंड पे ही है सर, मेरे सिस्टम मेरे मोबाइल में भी आ रही है। अच्छा मेरे हैंड पे भी आ रही है। ठीक है नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ कुछ है, कोई बात नहीं मैं रिपीट करता हूँ। कहाँ से छूटा आपका प्रथम, कौन सी बात नहीं समझ में आई? ये जो तीन पॉइंट बताया ना आपने, ये मिस हुए थे बस। देखो प्रथम हम पहली बात ये बोल रहे हैं कि फ्लटर गिफी से कैसे बात करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। कि कोई ना कोई तो तरीका होगा बात करने का, वो हमें देखना है। फिर जेसन से रिस्पॉन्स कैसे लेकर आएगा, और रिस्पॉन्स जो लेकर आएगा उसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे डार्ट के ऑब्जेक्ट में, दैट इज अगेन अनदर पॉइंट। और डायनेमिक डेटा, अगर जब रिस्पॉन्स आ गया आपके पास, ऑब्जेक्ट्स आ गए, वो डायनेमिक हो गया डेटा, उस डायनेमिक डेटा को आप स्क्रीन पे कैसे रेंडर करोगे, दैट इज अनदर पॉइंट। ठीक है, तो काफी कुछ लर्न करने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन आप सब लोगों ने ये बात ध्यान दिया गाइस कि जो कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपको जाकर किसी एपीआई कॉल लगाना है, एपीआई को कॉल लगा के पोस्टमैन पे जाके टेस्ट करना है। पोस्टमैन पे टेस्ट करके अगर वो सब कुछ सही चल रहा है तो उसके अंदर जाके झांकना है। ठीक है ना, उसके अंदर आगे जाके झांकना है कि किसके अंदर क्या मिलता है। जैसे डेटा के अंदर जाकर, तो हमें दिखा डेटा के एरे के अंदर जाकर हमें मिलता है इमेजेस, इमेजेस के अंदर मिलता है ओरिजिनल, ओरिजिनल के अंदर मिलता है यूआरएल। ये आपका काम है समझ लो, तभी आप पता लगा पाओगे कि आपके पास डेटा कैसे आएगा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट दिस थिंग। तो हम यहाँ जाते हैं और इसे शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कनेक्टेड हो, सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो हम आ जाते हैं जी अपने प्रोजेक्ट पे। तो ये रहा अपना प्रोजेक्ट, यहाँ पहुंचे लिब में पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं एक बार है ना, यहाँ पर जाकर, क्योंकि ये पहले ही भर चुका है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, तो अब एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे आए थे और यहाँ बोल देते हैं हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं बैकएंड टॉक। ठीक है, तो बैकएंड से बात कैसे करते हैं ये हम सीख रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही मैंने ऐसा दिया बैकएंड टॉक। ठीक है, ये पैकेज का नाम मांगता है, ये सब नहीं छेड़ते हम, फिनिश करते हैं सब चीजों। एक बार बनने देते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, थोड़ा सा आगे तक चलेगा सेशन गाइस, क्योंकि हमने लेट शुरू किया 9:30, तो हम 11:30 पे रैप करेंगे। तो यहां आते हैं हम बैकएंड टॉक की तरफ। जैसे एक बार एक क्रिएट हो जाता है प्रोजेक्ट, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसे बनाने में। काफी टाइम ले रहा है ये बनाने में, क्या हो गया सर? पी टैब बनवाया था, उसमें आपने कॉल बैक फंक्शन लगाने के लिए बोला। हाँ, बोलो बोलो। ग्री टैब में कॉल बैक फंक्शन लगाना था, बिल्कुल सही। हाँ जी सर, तो उस फंक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, मतलब जो बटन प्रेस हो रहा है तो उसके लिए रिकॉग्नाइज कैसे, कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। मैंने क्या करा था, जो लेबल पास किया था ना हम लोगों ने बटन पे, उस पे कंडीशन लगाई थी कि अगर वो फंक्शन कॉल, अगर लेबल ये वाला है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए सीधे, ऐसे करना था कोई दूसरा। ये तो इफ एल्स लगा दिया होगा ना तुमने फिर। हाँ जी, वो गंदा हो जाएगा ना। सोचो अगर अपने पास 10 बटन्स है तो क्या 10 इफ एल्स लगाओगे, 20 बटन है तो 20 इफ एल्स लगाओगे, नहीं ना। तो इसको ना सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं एक बार इसका। ये बन यार, ये हो क्या गया, ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है, एक बार कैंसिल करूँ मैं, अटक गया था ये। एक मिनट यार, फोर्स क्विट तो नहीं कर रहा मैं से। मैं एक बार इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ आ जाते हैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट पे। लेकिन कहीं तो हटाए तो पहले से, एक मिनट में से एक बार ये बंद करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो को। ये कुछ बहुत ही धीरे 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 काम कर रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो।
कभी बार ऐसा हो जाता है मतलब कि आप मशीन मशीन स्टार्ट रीस्टार्ट नहीं करी, जैसे मैंने कुछ दिनों से, तो ऐसे ही ये बिहेव करना शुरू कर देता है, ये रीस्टार्ट मांग रहा है इनडायरेक्टली। चलो पहले मैं ना प्रथम वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखो यार प्रथम करना क्या था इसके अंदर, ये जो अपने पास ये वाला मेथड था ना गेट फुल नेम, ठीक है, ये जो गेट फुल नेम था इसे आपने बुलाया था, अगर आप ध्यान दो तो बुलाया था हमने बटन के अंदर से, यहाँ से बुलाया था ना प्रथम गेट फुल नेम को। तो इससे क्या हो रहा था, गेट फुल नेम चलता था, अपना काम करके आता था और फिर वेलकम जोड़ कर आ जाता था। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो वेलकम हमें जोड़ना नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे हमने वेलकम जोड़ा यहाँ से और फिर गेट फुल नेम किया, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें क्लियर करना है तो मैं दो थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ। देखो एक तो ये वाला जो प्रोसेस है ना जहां पर मैं वेलकम जोड़ रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ वेलकम भी ना मैं यही जोड़ दूंगा एट द एंड। देखो मैं यहाँ जोड़कर इसे भेज देता हूँ क्योंकि ये जेनरिक बनाना है। अब इसका मतलब मैं ये वाला काम यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। अब बस मैं इतना काम करके आ जाऊंगा कि जब ये मेथड चल जाएगा ना तो ये ग्रीट में जो भी ग्रीट में वैल्यू आएगी, सपोज मैंने इसे बुला लिया गेट फुल नेम, तो जो भी आएगी वो ही दे देगा। लेकिन गेट फुल नेम लिखने से क्या हो रहा है, जेनरिक नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि क्लियर पे क्लियर कर जाए, इस पे अपना काम कर जाए। तो हम क्या करते हैं, हम क्लियर के लिए भी एक मेथड बना लेते हैं, जैसे यहाँ बनाया था ना हमने गेट फुल नेम, ऐसे बनाए थे क्लियर ऑल, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्लियर ऑल पे भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का नेचर सेम रखना चाहता हूँ, क्योंकि जेनरिक बनाना है फंक्शन। यहाँ जाके सर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ TC1 यानी कि कंट्रोलर 1, इसका जो टेक्स्ट है इसे कर दो ब्लैंक, क्योंकि आपको पता है कंट्रोलर ना टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच है, तो मैंने दोनों के साथ इसे टेक्स्ट को कर दिया ब्लैंक, ठीक है। ये दोनों हो गए जी ब्लैंक। अब ये ब्लैंक हो गए तो अब मैं सिर्फ इतना चेंज करूंगा कि जहां से मैं बटन्स को बुला रहा हूँ ना, यहाँ बुला रहा हूँ मैं बटन्स को, तो पहले वाले बटन पे पास कर दूंगा गेट फुल नेम नाम का मेथड, कॉल नहीं करूंगा सिर्फ पास करूंगा, और यहां से पास कर दूंगा क्लियर ऑल नाम का मेथड, ठीक है। ये दोनों मैंने मेथड यहां से पास कर दिए, ठीक है। तो मैंने गेट फुल नेम और ये दोनों पास कर दिए। अब अगर हम देखें तो अब मेरे पास चॉइस ये भी है कि मैं इसे ब्लैंक भी कर सकता हूँ और क्लियर भी यूज कर सकता हूँ, दोनों चॉइस है मेरे पास। तो जैसे मैंने यहां पर इन दोनों को पास किए, एरर आ गया, क्योंकि क्रिएट बटन पे जाएंगे, क्रिएट बटन पे जाके हम बोलेंगे कि जो भी फंक्शन पास हो रहा है वो है तो एट द एंड फंक्शन ना, तो फंक्शन fn में ले लो उसे, और fn में ले लोगे अगर तुम उसे तो तुम ग्रीट ऐसा कॉल करना बंद कर दो, उसकी जगह लिख दो ग्रीट और यहां स्पेसिफाई कर दो fn, दैट्स इट। ये बात समझ में आई प्रथम? तो ये कौन सा फंक्शन चलाएगा, या तो क्लियर वाला या गेट फुल नेम वाला, जो भी चलाएगा उसकी वैल्यू ग्रीट में डालेगा, ग्रीट को ब्लैंक कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर देगा और सेट सेट चल जाएगा, ठीक है। Yes. तो ये थॉट प्रोसेस है, हम इसको जाकर एक बार मैं रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पहुंच जाते हैं, इसमें पहुंच जाते हैं, वो इफ एल्स कंडीशन की वजह से ना, वो मतलब चल तो गया था लेकिन इफ एल्स कंडीशन की वजह से वो बहुत अजीब लग रहा था। इफ एल्स कंडीशन ज्यादा होंगी ना तो सीपीयू पावर भी ज्यादा यूज करना शुरू कर देगा इनडायरेक्टली, क्योंकि कंडीशन पे ज्यादा जाएगा, ऊपर से कोडिंग की रीडेबिलिटी भी खराब हो जाएगी। तो ये हमें फीचर मिला होगा ना कॉल बैक का, और ये बहुत काम के, अभी भी आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें भी कॉल बैक बहुत काम आएगा, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया रिपीट, ये वाला पूछ रहे हो आप, ये जो मैंने किया है, या देखो मैंने सिर्फ इतना काम किया है, मैंने ना दो फंक्शंस बना दिए, गेट फुल नेम एक क्लियर ऑल। हम लोगों के पास बटन एक था लेकिन उसके काम दो थे, तो अगर एक बात समझो, बटन एक था उसके काम दो थे, तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप कोई कॉमन चीज बनाते हो, कॉमन कोड लिखते हो, तो आप उसमें ये बात भी पता लगाते हो कि इसमें नॉट कॉमन चीज क्या है, तो बटन तो एक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो बटन का लेबल कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बटन पे लेबल अलग अलग आ रहा है, ग्रीट आ रहा है एक पे, तो इसलिए देखो मैं लेबल को पास करवाया, दोनों का कलर भी अलग रखना चाहता था, इसलिए ध्यान से देखो तो मैंने कलर भी पास कराया। अब बटन पे क्लिक करोगे तो फंक्शन भी तो अलग चलेगा, तो मैंने फंक्शन भी पास कराया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो, इसलिए हमने पैरामीटर्स पास कराया यहाँ पर। अब अगर तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एक दो जगहों से कॉल होगा फंक्शन, तो पहले बटन पे जब कॉल होगा जो ग्रीट बनेगा, तो उस पर लेबल ग्रीट का आएगा, उस पर कलर ग्रीट का आएगा, और फंक्शन भी कौन सा लगेगा, गेट फुल नेम, तो इसलिए मैंने वहां पर कॉल लगवा पास करवा दिया गेट फुल नेम। लेकिन जब बटन दूसरा बनेगा तो लेबल भी दूसरा आएगा, क्लियर वाला आएगा, कलर भी दूसरा आएगा, और उस पर जो फंक्शन चलेगा वो भी दूसरा आएगा, क्लियर ऑल वाला।
तो इसके मैंने तीन पैरामीटर कर दिए इसके, ठीक है। और अगर आप देखो तो इन तीनों पैरामीटर को मैंने कंज्यूम किया है, देखो लेबल को यहाँ कंज्यूम किया है टेक्स्ट में, कलर को यहाँ कंज्यूम किया है, और फंक्शन को यहाँ कॉल लगा दिया है, ठीक है। तो जब बटन पे क्लिक होगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहां जाते हैं, गैस किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब मैं इसे बुला रहा हूं, जब मैंने इसे बुलाया तो मैंने यहां पर फंक्शन पास कर दिया पहले वाले के लिए कि फुल नेम के लिए चल जाए, दूसरे में किसको कॉल लगा दिया क्लियर ऑल के लिए चल जाए। ये हम लोगों ने अचीव कर लिया, ये हमारे पास अप हो गया। अब अपने ऐप को भी अप कर देते हैं, तो हमारी इधर ऐप अप हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया कि जनरलाइज फंक्शन आप कैसे लिख सकते हैं। दिस इज द वे आउट टू क्रिएट अ जनरलाइज, और जनरलाइज करने से फायदा होगा क्योंकि हम अपनी बड़ी ऐप अभी जब बनाते जाएंगे, तो जैसे आज हम जो सीख रहे हैं फिर इसके बेस पे एक बड़ी ऐप बनाएंगे, जैसे स्पॉटिफाई है या गाना है या सावन है, हम ऐसी एक म्यूजिक ऐप लिखेंगे जिससे हमें बहुत क्लियर होगा, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स होगी। तो ये बिल्कुल, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम ऐप की, अभी तो क्या कर रहे हो एक एक स्क्रीन बना रहे हो बस, जब ऐप लिखोगे तो काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, जितना पढ़ा है वो सब कुछ एक ही ऐप में लग जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐप्स भी सजेस्ट करूंगा, और एक क्विज भी होगी आप लोगों की, ठीक है, एक टेस्ट भी लूंगा मैं आप लोगों का इन बिटवीन, वो सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप प्रिपेयर रहो, बीच में कभी भी एक टेस्ट होगा आप लोगों से, ठीक है। वो आप लोगों को उसमें आंसरिंग करनी होगी, उससे आपको पता भी चलेगा कि लेवल कहाँ जा रहा है, और वो बिल्कुल वैसे बनाऊंगा जैसे इंटरव्यू होता है, तो मॉक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ होगा, तो मॉकिंग टाइप। तो पहले आते हैं यहाँ पर, देखो यह हमारी ग्रीट ऐप थी। अब हम यहाँ जाकर, जब यहाँ जाकर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ जाके हमने कुछ टाइप किया, यहाँ जाके कुछ टाइप किया, और ग्रीट का बटन दबाया, है ना। ये थोड़ा सा देखो ये पिक्सल का आ रहा है इशू, क्योंकि ये यहाँ दिखाता है और ये ओवरलैप कर जाता है, इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और जब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, देखो देखा आप लोगों को, तो एक ही फंक्शन दोनों काम करके आ रहा है। तो हम जहाँ जब यहाँ टाइप कर रहे हैं इसको हटाते हैं, और ग्रीट पे जा रहे हैं तो ये दिखता है, और क्लियर कर रहे हैं तो वो क्लियर भी करके आ रहा है। तो एक ही बटन दो काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही कोड से हमने दो बटन बनाया अलग अलग, ठीक है, और दोनों का अलग अलग बिहेवियर दिया। आई होप ये सबको समझ में आया। अब एक इश्यू ये रह गया इस ऐप के अंदर कि जब हम यहाँ जाकर टाइप कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान देना जैसे मैं ग्रीट करता हूँ, ये जैसे यहाँ पर कुछ कुछ जगह ओवरलैप कर सकता है चीजों को। ओवरलैप कब करता है देखो मैं दिखाता हूँ, मैं इसे बड़ा करता हूँ स्टार को, अब देखना ये देखो ओवरलैप कर गया ना, क्योंकि नाम बड़ा हो गया तो उसको उतनी जगह मिली नहीं सेटल डाउन होने के लिए। तो आप क्या करते हो, ये प्रॉब्लम ना आए आपके पास, ओवरलैपिंग जैसी प्रॉब्लम ना आए, तो आप अपने कोड पे जाओ, जहां से आपने अपना कोड बनाया हुआ है, ये वाला बिल्ड वाला, ठीक है। तो यहां हमें कंटेनर बनाया, इस कंटेनर को हम एक विजिट के अंदर रैप कर देते हैं जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, क्योंकि हमें पता है कॉलम स्क्रॉलेबल नहीं होते, हम उसे स्क्रॉलेबल बना रहे हैं, तो इसका मतलब बेस्ड ऑन डेटा वो स्क्रॉल कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जैसे यहां ग्रीड देख रहे हैं हम, क्लियर देख रहे हैं, अब अगर मैं जाकर यहां टाइप करता हूं कुछ, तो देखो ये आया मेरे पास, ग्रीड पे क्लिक करता हूं तो ये, अब देखो चाहे बेस्ड ऑन डेटा बड़ा है डेटा या छोटा है मेरे पास डेटा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप एडजस्ट करके आ पा रहा है, क्योंकि मैंने उसे किस में डाल दिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल में, वो स्क्रॉलेबल हो जाता है इससे, ठीक है। तो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, या तो क्लियर हुई बात आप सबको, तो ये कैसे काम कर रहा है ये हमें डाइजेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। सो वी अंडरस्टैंड, ये हमें ओवरलैप की प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दी, हम एक्सपेंडेड लगा के भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ, हम अपनी ऐप की तरफ वापस आते हैं। तो शुरुआत कर रहे थे हम एक नए फ्लटर प्रोजेक्ट से, इसे कैंसिल करता हूँ मैं, क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाकर इसे चलाएंगे, तो इसमें लर्निंग बहुत बढ़िया आज की, क्योंकि आज जो हम इसे कनेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगी बात। इसे एक बार नेक्स्ट कर देते हैं, इसका नाम देते हैं हम कनेक्ट टू बैकएंड, नाम रख देता हूं मैं इसका, नेक्स्ट कर देता हूं मैं इसको, और इसे मैं फिनिश कर देता हूं, ठीक है। अब इसे बना देना चाहिए प्रोजेक्ट, पिछली बार तो अटक रहा था, अब नहीं अटकना चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है मेरा मशीन,
मैक असल में हैंग नहीं हुआ है, हैंग होने लगा, स्लो हो रहा है, क्योंकि शायद स्लो इसलिए हो रहा है कि मैंने कई दिन से इसे बंद नहीं किया था इस मशीन को ना, इसलिए हो गया। तो ये रीस्टार्ट मांग रही है मशीन एक बार ना, कि मैं एक बार रीस्टार्ट कर दूं तो ये चल जाए। बच्चे कर रहा हूँ कि हो जाए एक बार, क्योंकि गो टू मीटिंग में 78% यूज कर रहा है। बजट बढ़ाने तो जा रहा है, एक चीज और चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बने हुए हैं तो शायद मुझे दिक्कत लग रही है मेरे पास। ठीक है जी, ये एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे को लग रहा है यार कहीं परेशान कर रहा है मुझे, क्योंकि बाकी मशीन पे बाकी सब चीजें तो खटाखट ओपन हो रही है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अगर कोई ऑर्गेनाइजर है तो मेरे को रीस्टार्ट कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अटक गया है एंड्रॉइड स्टूडियो, अटक रहा है असल में ना। तो एक बार मैं रीस्टार्ट मारता हूँ फिर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट मैं एक बार चीजों को रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो ही अटका हुआ है सिर्फ, बाकी सब तो खटाखट चल रहा है। चलो जी, मैं इसे बार रिस्टार्ट करके आता हूँ। हाँ, मैं कुछ दिक्कत है यार, मेरे को लग रहा है मैंने रीस्टार्ट कर लिया लेकिन फ्लटर मतलब ये फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाने नहीं दे रहा मेरे को, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो बेटर है कि हम क्या करें, यही चांस है कि हम इस पे मूव कर जाए आज आज के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वो मतलब ये टेम्पररी है, क्योंकि एक आधी बार कभी पहले भी हुआ है मेरे साथ कि इसका कोई अपडेट आ गया और ये इस वजह से कुछ काम नहीं कर रहा, तो मेरे को इसे थोड़ा बहुत सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो कभी कभार होता है ऐसा, फेयर इनफ है। तो अभी क्या करते हैं हम, क्योंकि अभी तो हमें आगे बढ़ना है तो हम इसकी वेट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ आते हैं और मैं उस पुराने प्रोजेक्ट में मिक्स नहीं करना था बहुत सारी चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, वीएस कोड पे आते हैं, वीएस कोड पे भी वही सारा काम मैं कर सकता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप में से कोई वीएस कोड पे काम करना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी, तो ये भी सीख लो, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत अच्छी मशीन नहीं है और उस पर कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छी नहीं है, वो वीएस कोड पे काम कर सकता है। ठीक है गाइस, माइक ऑफ कर दो, फ्लटर तो फिर भी डाउनलोड, फ्लटर तो फिर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑब्वियस है यार, ये तो बिल्कुल ऐसा है ना कि फिर वही वर्क, अगर तुम जावा यूज कर रहे हो तो वो 32 बिट है ना, प्रॉब्लम 32 बिट है, मशीन बदलो। अरे 32 बिट लेनी थी, 32 बिट तो बहुत पुरानी हो गई ना। नहीं सर, मैंने बहुत पुरानी ले रखी थी ना, नई अभी सर नई नहीं ली थी, बहुत पुरानी मशीन है मेरे पास। हाँ तो अब नई यूज करो ना, अब तो वही नई यूज पे, नए पे मूव हो जाओ 32 बिट के। और आप में से अगर कोई नया भी मूव हो रहा है ना, तो मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूंगा, और अगर आप फ्लटर यूज कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप है ना मैकबुक एयर आता है उस पे मूव हो जाओ। ठीक है, उसमें जो फर्क है मैकबुक एयर, ठीक है, स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है मैकबुक से, सोचो कि मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ लोग, लेकिन वो स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई फ्लटर पे काम करना चाहता है, बहुत सीरियसली लेके चल रहा है अपने आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करियर में, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम ही रहेगी, अगर विंडोज मशीन लेगा तो आईफोन पे कभी टेस्टिंग नहीं कर पाएगा, मतलब आईओएस चलेगा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि उसके लिए मैक ही चाहिए आपको, तभी आप चला पाओगे, क्योंकि एक्स कोड की नीड है। और अभी मैक ना इतना महंगा रहा नहीं है जितना पहले कभी हुआ करता था, तो अभी सिर्फ जो डिफरेंशिएशन है ना वो 15,000 से 20,000 का रह गया सिर्फ, जो डिफरेंशिएशन रहता है अगर आप एक ढंग की मशीन खरीदते हो। तो जो मैं हमेशा सिर्फ दो ही मशीन रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, या तो मैक खरीदो या आसूस खरीदो। तो आसूस की जेन सीरीज आती है, बहुत बढ़िया आती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं। दोनों के पीछे रीजन ये है, क्योंकि आसूस अपना हार्डवेयर खुद बिल्ड करता है, मैक भी बहुत सारा हार्डवेयर और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बिल्ड करता है। ठीक है, तो इसका प्लस साइड है। ठीक है जी, ये भी हो गया, चलो इतने इसे भी दिस विंडो कर देता हूँ मैं, इतने ये भी हो गया है।
स्टार्ट और ये भी हो गया, आपके पास दोनों चॉइस है, आप इस पे भी कर सकते हो कोड और इस पे भी कर सकते हो, दोनों चॉइस है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन दे दूंगा आप लोगों को इस पे काम करने के लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, कोई बहुत फंस रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो मैं इस पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को चीजें, ठीक है? तो आप इस पे भी कोड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी पे होते हैं। सुनील अपना माइक ऑफ कर दो यार, ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो आ जाते हैं जी हम यहाँ पर एपीआई कॉलिंग की तरफ, और हम पहुंच जाते हैं लिब में। यहाँ मेन डॉट डाटा आप सबको पता है, यहाँ से हम सब कुछ उड़ाते हैं, डिलीट मारते हैं। वाइड क्या करने वाले, ठीक है? तो देखो हम यहां पर मेन से शुरू करते हैं, और मेन से यहां पर ध्यान दे रहे ना, रन ऐप लिखते हैं यहां पर जाकर, रन ऐप, ठीक है? और हम यूज कर रहे हैं मेटीरियल थीम, डिपेंड्स है कि आप कपटीन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां जाकर वी आर यूजिंग अ मेटीरियल ऐप, तो मैंने यहां पर मेटीरियल ऐप लिख दिया, सब आपको पता है, सब लोगों को। टाइटल देते हैं हम, क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कॉलिंग एपीआई, एपीआई से बात करना सीखने वाले हैं। बहुत कुछ है इसमें सीखने सीखने में, टाइम बहुत जाएगा इसे सीखते सीखते। तो कॉलिंग एपीआई पे पहुंच जाते हैं, यहाँ होम हम स्पेसिफाई करते हैं, होम पे जाकर वी नीड टू मूव टू अ स्क्रीन। तो यहाँ जाकर आई एम सेइंग न्यू डार्ट फाइल, लेकिन इस डार्ट फाइल को बेटर है, क्योंकि मैंने आप सबको हमेशा सिखाया कि कोड को सेग्रीगेट करके लिखो। तो एक पैकेज बना दो जिसका नाम दे दो स्क्रीन्स, तो हमने स्क्रीन्स बना दिया। स्क्रीन्स पे जाकर न्यू और एक डार्ट फाइल बना दी, और ये हमें क्या दिखाने वाला है, ये हमें दिखाने वाला है लिस्ट, यानी कि जो भी हमारे पास सर्च लिस्ट सर्च का रिजल्ट आएगा, तो हमने इसका नाम दिया लिस्ट। तो लिस्ट डॉट डार्ट हमें दिखेगी, जहां पर हम लिस्ट दिखा पाएंगे। इसको भी नाम बेटर ऐसा कर देता हूं मैं, इसका सर्च लिस्ट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर्च का रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, या इमेज लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इमेज लिस्ट दिखाएगा हमें ये वाली स्क्रीन, ठीक है? और हम मेन डॉट डार्ट से बुला लेंगे। तो यहां जाकर आप सबसे पहले क्या लिखो, स्टेट फुल विजिट, और यहाँ देते हैं हम सर्च लिस्ट इसका नाम, ठीक है? तो मैं इसे सिखाऊंगा दो वेराइटी से, एक थोड़ा सा बड़ा कोड, फिर इसका आसान वर्जन, जो कि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि अंदर का सबको समझ में आ जाए कि इंटरनली वो क्या कर रहा है। एंड फ्रॉम हेयर यहां जाके आई एम स्पेसिफाइंग, ये कर देते हैं हम, और यहाँ वी आर स्पेसिफाइंग स्केफोल्ड, और यहाँ एक ऐप बार डाल कर देते हैं, ऐप बार स्पेसिफाई करते हैं। ऐप बार में जाकर वी आर सेइंग टाइटल, टाइटल में डालते हैं, यहां हम स्पेसिफिक करते हैं इमेज सर्च, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ठीक है? और बॉडी स्पेसिफाई करते हैं, बॉडी में जाकर वी नीड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, ठीक है? तो अभी फिलहाल कंटेनर लिख के छोड़ देते हैं बस इतना। तो इतना हिस्सा तैयार, सर्च लिस्ट की तरफ आते हैं, यहां से बुलाते हैं हम सर्च लिस्ट को। अब ध्यान देते हैं ना एक एक बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हुई। सो द पॉइंट इज कि यहां तक हमने किया, नाउ वी वॉन्ट कि इसको हम अप कर देते हैं पूरे सिस्टम को, और फिर टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो इसे मैं इतने सिर्फ एमुलेटर को अप करके छोड़ देता हूं, फिर अपनी ऐप को रन करेंगे। इसमें से वाइप कर देते हैं अनवांटेड चीजों को, इसे रन कर देते हैं, ठीक है? ये रन होता रहेगा बिहाइंड द सीन। अब बात करते हैं कि डेटा लाओगे कैसे। अब डेटा लाने के लिए तुम्हें जाना है यहां, और यहां से सर्च करना है पब डेव, ध्यान देना पब डेव, ये सर्च करना है। पब डेव का मतलब क्या है भाई, जितने भी डार्ट के एक्सटर्नल पैकेजेस हैं वो यहाँ डिप्लॉयड है, ठीक है? तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ साफ साफ स्पेसिफाइड है, इस पॉइंट को देखा जाए तो दे हैव स्पेसिफाइड पब इज द पैकेज मैनेजर फॉर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंटेनिंग रीयूजेबल लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस फॉर फ्लटर एंगुलर डार्ट एंड जनरल डार्ट प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है कि अगर आप डार्ट यूज कर रहे हो, अगर आप डार्ट यूज कर रहे हो और डार्ट में कुछ चीजें प्रीबिल्ड मिल रही है, या फ्लटर आप यूज कर रहे हो उसके साथ जो बाय डिफॉल्ट आपको प्रीबिल्ड मिली है चीजें, अगर आपको कुछ एक्सटर्नल चीजों की जरूरत है तो आप कहां से ग्रैब कर सकते हो, पब डेव से ग्रैब कर सकते हो। तो पब डेव हमारे लिए क्या हुआ, पब डेव एक पैकेज मैनेजर हुआ जहां पर सारी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पड़ी है, हम वहां से सारी चीजें पिक करके आ सकते हैं। तो जो भी चीज हमें फ्लटर के साथ बंडल होकर नहीं मिलेगी वो हम यहां से लेकर आएंगे। तो अगर ध्यान से जाए तो बहुत स्मार्ट डिसीजन है, लैक्स ऑफ लाइब्रेरीज यहाँ पड़ी है हर चीज के लिए। तो एक बार यहाँ जाते हैं गाइस और पब डॉट डेव पे क्लिक कर देते हैं। सो वी आर हेयर इन दिस पब डॉट डेव एंड फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट राइटिंग, मैं यहाँ जाके लिखना शुरू करता हूँ कि मुझे अगर सर्वर से बात करनी है व्हाट एग्जैक्टली आई नीड, आई एम सेइंग आई नीड एन एचटीटीपी पैकेज।
सो देयर इज अ प्री डिफाइंड पैकेज कॉल्ड एचटीटीपी, तो मैं यहां जा सकता हूं और यहां से एचटीटीपी मुझे मिल जाता है. मेक सेंस? सो वी हैव दिस एचटीटीपी पैकेज. अच्छा, अगर आपको सपोज कैमरा से बात करनी है, आई मीन यू वांट टू यूज अ कैमरा, सो देयर वुड बी अ कैमरा एपीआई. तो आप देखो यहां पर कैमरा का एक इमेज पिकर नाम का एपीआई है जो बहुत पॉपुलर है. अगर आपको जीपीएस यूज करने, तो आप यूज कर सकते हो जियो लोकेशन. सो इफ आई यूज जियो लोकेशन, तो यहाँ जियो लोकेटर, जियो लोकेशन जैसे एपीआई मेरे पास आ जाते हैं. ठीक है, तो हर चीज का एक एपीआई मिलता है. तो अगर मेरे को माइक भी यूज करना है, तो माइक के लिए भी अलग अलग एपीआई जाएंगे. जैसे कि मैं यहां बोलता हूँ फ्लटर टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच जैसा फीचर हमें मिल जाता है. इसी तरीके से अगर मैं यहां जाके बोलता हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो मेरे को माइक जैसा फीचर भी यहां मिल जाता है. तो ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि pub.dev असल में रिपोजिटरी है बहुत सारे प्री डिफाइंड पैकेजेस की. सो इफ यू वांट टू बिल्ड अवर बिगर एप्लीकेशन, सो वी नीड टू इंटीग्रेट विद बाय यूजिंग दिस. ठीक है, आई होप यहां तक सबको पब डेव का रीजन समझ आ गया. तो अभी तो हमें एचटीटीपी चाहिए, सो वी जस्ट गो टू एचटीटीपी. एचटीटीपी पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो इट्स सिंपली सेइंग कि अगर तुम्हें कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस पे काम करना है, यू नीड दिस पैकेज. उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहां लिखी हुई है, सो यू कैन इजीली रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन. सो इट इज सेइंग यू नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉलेशन ऑप्शन. मैं यहां जाता हूं और फ्रॉम हेयर इंस्टॉलेशन ऑप्शन आई एम गोइंग हेयर. एचटीटीपी पे जाते हैं, कॉपी करते हैं एचटीटीपी को और यहां जाकर हमें पहुंचना होगा pubspec.yaml में. सो दिस pubspec.yaml मेंटेन द डिपेंडेंसीज. तो ध्यान देना, जस्ट गो डाउन एंड इट इज हैविंग द डिपेंडेंसीज. बाय डिफॉल्ट उसके पास सिर्फ किसकी डिपेंडेंसी है, फ्लटर की और कपटीनो की, नथिंग एल्स. सो वी गो फॉर अ डिपेंडेंसीज एंड फ्रॉम हेयर वी जस्ट सिंपली पेस्ट दिस डिपेंडेंसी. जब भी आप पेस्ट करो, देखो मैंने कपटीनो के ठीक नीचे से पेस्ट किया है, सो इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, सो अदरवाइज इट वुड नॉट वर्क. तो मैंने यहां पर जाके इसे पेस्ट किया एंड यू हैव दिस डिपेंडेंसी. आपने यहां पर वो डिपेंडेंसी आ गई, 0.12.2 इज अ वर्जन ऑफ दिस. इसे जाकर सेव करना है, सो आई जस्ट डू कंट्रोल एस, मैंने ऐसा करा. और उसके बाद ये डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना है. इसे डाउनलोड करने के लिए यू नीड टू जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. यहां जाओ, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पब गेट, तो आप पब गेट करोगे, दैट्स इट. सो थ्रू पब गेट इट इज गोइंग टू बी पिक और डाउनलोडेड. ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि डिपेंडेंसीज हमेशा किसके अंदर आएंगे, अंडर द डिपेंडेंसीज, और उसका अलाइनमेंट बिल्कुल बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे उसके ऊपर वाले का अलाइनमेंट है. ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो एचटीटीपी का. ठीक है, तो इसे करते हैं हम, इसे करता हूं मैं क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहां से क्लिक करता हूं पब गेट पे. तो आप ध्यान देना, फ्लटर पब गेट नाम की कमांड पीछे से चलती है. तो फ्लटर आप मैनुअली भी ऐसा कर सकते हो, फ्लटर पब गेट. इसका मतलब अगर आप पब गेट नाम का बटन नहीं प्रेस करना चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है. यू सिंपली गो टू द टर्मिनल सेक्शन. यहां आप टर्मिनल सेक्शन पे जा सकते हो, और यू आर इन योर प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट में, तो आप यहां जाकर भी ये लिख कर आ सकते हो फ्लटर पब गेट. तो pubspec.yaml में जाएगा और वहां से भी उसकी डिपेंडेंसी ले आएगा. जो डिपेंडेंसी आपके पास आएगी, तो आपके दो ऑप्शन हो गए, बटन पर क्लिक करके पब गेट, इस लिंक पर क्लिक करके, या खुद टाइप करके. इससे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में अगर आप जाओगे, तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में वो लाइब्रेरी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी. तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ओपन करते हैं एंड हेयर इज अ डार्ट पैकेजेस, और इन दिस डार्ट पैकेज यू आर एबल टू सी एचटीटीपी नाम का पैकेज आ गया, और उसके अंदर एचटीटीपी की बहुत सारी चीजें आ गई है. तो उन्होंने अपना कोड दे रखा है हमें, वो हमें मिल गया. मेक सेंस? यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं हम, बिकॉज वी हैव एवरी डिपेंडेंसीज जो हमारे पास आ चुकी है, अब मैं यहां से बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू फेच द डेटा. तो मुझे डेटा फेच करना है. ठीक है, तो जैसे एसआर ने बोला, इट्स लाइक पिप. यस, इट्स लाइक पिप इन पाइथन. तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो इन्होंने बिल्ड किया है. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप नोड पढ़कर आए हो, तो देर इज npm इन नोड. ठीक है, अगर आप जावा पढ़कर आते हो, तो देर इज थिंग कॉल्ड मेवन. तो आप मेवन यूज करते हो वहां पर, दैट इज डूइंग दिस. अगर आप एंड्रॉइड पढ़कर आए हो, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रेडल. ठीक है, तो आप ग्रेडल यूज करते हो. अगर आप रिएक्ट या एंगुलर पढ़कर आए हो, तो देयर इज ये npm से काम चल जाएगा वहां पर. सो npm इज दिस फॉर. ठीक है, तो हर एक के लिए. और पाइथन पढ़कर आए तो पिप है. तो सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आज के डेट में अवेलेबल है. ठीक है, तो सेम हमारे पास यहां पर, हमारे पास पब डेव है जिसे हम यूज कर रहे हैं. तो पब बोल रहे हैं हम इन शॉर्ट. ठीक है,
तो पैकेज मैनेजर है, सारे के सारे पैकेज मैनेजर है। क्लियर हो गया सबको बात? तो हमने यहां पर इसे यूज कर लिया। अब हम यहां से बात करते हैं इस डेटा को फेच करने की। फेच करने के लिए बेस्ट तरीका ही क्या है कि हम यहां लिब में जाकर न्यू करके एक पैकेज बनाते हैं। इस पैकेज पे एक नाम दे देते हैं इस पैकेज में। तो यहां मैंने एक मिनट लिब पे गया था मैं, न्यू और पैकेज, और इस पैकेज का नाम दे दिया मैंने यूटिल्स, यूटिलिटीज। और इसमें बोल दिया कि यहां से मैं सर्वर कॉल लगाना चाहता हूं, ध्यान देना, यहां से मैं सर्वर कॉल लगाना चाहता हूं। तो राइट क्लिक न्यू एंड गो टू द डॉट फाइल एंड हियर आई एम सेइंग सर्वर। तो मैंने एक सर्वर डॉट डॉट बना दी और यहां जाकर लिख दिया क्लास सर्वर, और इधर से बोला कि भाई जाओ सर्वर से डेटा लेकर आओ। तो मैं यहां से बोलता हूँ गेट इमेजेस, ये मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है। तो इसका नाम है गेट इमेजेस, जो इमेजेस लेकर आएगा मैंने। अब इमेजेस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सारी लर्निंग है इसके अंदर। इमेजेस लाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ गेट मेथड। तो मैं यहाँ सीधे लिखता हूँ गेट। तो देखो गेट लिखते ही यहाँ हिंट आता है कि कहाँ से आ रहा है, इस जगह से http.dart। तो अगर मेरे को डेटा मंगाना है तो गेट होता है, भेजना है तो पोस्ट होता है, तो गेट। और गेट के साथ इट इज आस्किंग व्हाट, इट इज आस्किंग अ यूआरएल। सो हियर आई एम सेइंग कॉन्स्ट यूआरएल, ऐसा मैं लिखा और डबल कोट्स स्पेसिफाई किया। और यूआरएल क्या था आपका, आप सबको याद हो, यूआरएल था हमारे पास गिफी, ठीक है। और गिफी एपीआई पे चले जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास था गिफी एपीआई, और ये हम लोगों ने बनाया था। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि हमने उसे कैसे बनाया था, यहाँ वो नोटेड डाउन पड़ा होगा पहले से, क्योंकि हिस्ट्री में चला जाता है। तो गिफी एपीआई दिस वन, तो हमने आयरन मैन का डेटा ने मंगाया था ये वाला, और पोस्टमैन में भी इसे यूज किया था। सो दिस इज अ यूआरएल, सो जस्ट पेस्ट इट। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एंड दिस यूआरएल आई एम स्पेसिफाइंग हियर। द ओनली प्रॉब्लम इज ये जो गेट मेथड है, हो सकता है कि मैं भी इस गेट मेथड को दोबारा किसी और जगह बना लूं अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो ये गेट मेथड http.dart से आ रहा है, तो इट वुड बी गेट कॉन्फ्लिक्टेड। ये कॉन्फ्लिक्टेड ना हो तो बेटर है कि आप इसका एलियाज नेम दो एज एचटीटीपी। जैसे आप ये दोगे तो अब आप इसे हमेशा कैसे बुलाओगे, http.get, ठीक है। तो इट मेक सेंस कि ये कैसे काम कर रहा है। तो http.get मेथड जब चलता है तो ये सर्वर को कॉल लगाता है। अब आपको समझना है, जब ये सर्वर को कॉल लगाता है तो उसके पीछे बहुत सारी साइंस है जो इंटरव्यू आपसे बहुत पूछेगा। तो आप समझना, जब वो सर्वर को कॉल लगाता है तो कुछ ऐसा होता होगा कि व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग http.get और इसके अंदर हमने क्या दिया है यूआरएल। तो ये जो यूआरएल है वो बेसिकली किसका यूआरएल है, सर्वर का। तो सर्वर किसी एक रिमोट लोकेशन में बैठा हो सकता है, किसी यूएस के सर्वर में बैठा हो, वो कनेक्टेड किससे, डेटाबेस से। नाउ द प्रॉब्लम इज ये जो यूआरएल है इस तक पहुंचने में इसे एक नेटवर्क कॉल लगानी पड़ेगी, और नेटवर्क कॉल बिलीव करो कॉस्टलियर कॉल है, टाइम लगता है उसमें से डेटा लाने में। तो नेटवर्क कॉल लगेगी, वो सर्वर पर जाएगा, सर्वर प्रोसेसिंग करेगा, डेटाबेस में से डेटा निकालेगा। तो इसका मतलब यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हो रही होगी, प्रोसेसिंग करेगा फिर डेटा देगा। तो इट मींस यहाँ जब वो रिस्पांस देगा तो इसका मतलब जब यहाँ रिस्पांस आएगा इस नेटवर्क कॉल के बाद, देयर वुड बी अ लैगिंग ऑफ 2 से 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स कि सर्वर पर से डेटा लाने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमारा जो डेटा आएगा, अगर आपसे पूछे डेटा कितनी देर में आता है, तो आप ये नहीं बोल सकते 2 सेकंड में आएगा या 3 सेकंड में आएगा या 5 सेकंड में आएगा, इट्स डिपेंड्स कि कितनी देर में आएगा। तो वो क्या कहता है, अगर ऐसा होगा तो आपकी ऐप हैंग हो जाएगी, तो आपकी ऐप हैंग हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि फ्लटर जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, वो सिर्फ एक ही थ्रेड यूज कर सकता है। थ्रेड का मतलब ये है कि जैसे आपने उसे कॉल लगाया, इफ इट इज गेट ब्लॉक्ड, तो आपकी आपकी ये थ्रेड ब्लॉक हो जाएगी, और आपकी थ्रेड ब्लॉक होने का मतलब आपकी ऐप हैंग हो जाएगी, ठीक है, आपकी ऐप काम करना बंद कर देगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस केस में जो कॉल लगाते हैं, जब हम इसे कॉल लगाते हैं, तो दैट कॉल मस्ट बी ऑफ एसिंक्रोनाइज्ड नेचर। हम उसे किस नेचर की बनाते हैं, एसिंक्रोनाइज्ड नेचर की बनाते हैं, एसिंक नेचर की बनाते हैं, ठीक है, सबको मेरी बात समझिए, एसिंक नेचर की बनाते हैं। एसिंक नेचर का मतलब है कि हम उसे कॉल लगाएंगे एंड वी आर नॉट वेटिंग। सो इट्स लाइक कॉल एंड नो वेट, वी आर नॉट वेटिंग एनीवेयर। जब भी रिस्पॉन्स आएगा हमें रिस्पॉन्स यहां मिल जाएगा। अब रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, हम यहां पर अपना एक कॉल बैक फंक्शन अटैच करके छोड़ देंगे, यानी कि हम अपने कॉल बैक फंक्शन लगा देंगे और इसे सर्वर को दे देंगे। अब जब रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देगा। सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाए तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी यहां पर काम चलता है तो इट इज लाइक कि डार्ट के पास देर इज अ थ्रेड, और उस थ्रेड का नाम है इवेंट लूप। सो इट इज यूजिंग अ थ्रेड कॉल्ड इवेंट लूप। सो इट हैज अ थ्रेड दैट नेम इज कॉल्ड इवेंट लूप, ठीक है।
और जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो आपको माइक ऑन है, तो जब भी हम इवेंट लूप की बात करें इट इज अ थ्रेड और इसी थ्रेड को आई एम सेइंग दिस इज कॉल्ड अ सिंगल थ्रेड एंड वी कैन नॉट बिजी दिस थ्रेड सो वी कैन नॉट बिजी दिस थ्रेड सो वी आर सपोज टू कॉल नेटवर्क कॉल सो नेटवर्क कॉल के लिए बिहाइंड द सीन देयर इज अ थ्रेड सो इट हैंडेड ओवर टू अ नेटवर्क नेटवर्क थ्रेड तो नेटवर्क थ्रेड को इसे हैंड ओवर कर रहा है और ये थ्रेड एसिंक है बाय डिफॉल्ट इन नेचर सो वी आर नॉट वेटिंग सो नो वेट एट ऑल हम उसे वेट नहीं करते एंड वी आर हैंडिंग ओवर हम उसे जाकर क्या हैंड ओवर कर देते हैं अपना कॉल बैक फंक्शन वी हैंड ओवर एंड देन व्हेन देयर लेटर ऑन द डेटा इज देयर सो इट जस्ट कॉल आवर फंक्शन तो हमें डेटा मिल जाता है मेक सेंस तो इसलिए हमारी ऐप हैंग नहीं होती तो उसके लिए वो क्या करता है वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डेटा इमीडिएटली मैं आपको डेटा नहीं दूंगा इमीडिएटली तो अगर आप गेट को खोलो तो गेट कह रहा है आई एम गिविंग अ रिस्पॉन्स बट नॉट इमीडिएट सो आई विल गिव अ रिस्पॉन्स बट योर रिस्पॉन्स इज रैप्ड अंडर अ फ्यूचर ध्यान देना योर रिस्पॉन्स इज रैप्ड अंडर अ फ्यूचर इसका मतलब ये कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता मैं आपको फ्यूचर दे सकता हूँ फ्यूचर इज सेइंग मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको डेटा दूंगा ठीक है या एरर दूंगा तो इसलिए हमें यहां मिलता है द थिंग कॉल्ड फ्यूचर तो आपको समझ आए कि जब भी एसिंक कॉल्स होंगी यू नेवर गेट अ रिस्पॉन्स यू गेट अ फ्यूचर तो इसे आप ऐसा समझ सकते हो इफ यू जस्ट गो टू द डोमिनोज पे गए आप पिज्जा लेने के लिए पिज्जा हट पे गए पिज्जा लेने के लिए एंड यू जस्ट रिक्वेस्ट फॉर अ पिज्जा पिज्जा वुड नॉट बी गिवन इट वुड बी गिव आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ टाइम तो वो क्या करेगा वो आपको फ्यूचर दे देगा फ्यूचर का मतलब आपको एक स्लिप दे देगा कि फ्यूचर में आप आना 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद आपको पिज्जा मिल जाएगा सो इट मीन्स योर रिस्पॉन्स इज लाइक अ पिज्जा सो आपको जो पिज्जा मिलने वाला है वो फ्यूचर में मिलने वाला है अभी नहीं मिलने वाला दैट्स व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्यूचर तो जब भी इंटरप्ट से पूछता है फ्यूचर क्यों है तो आप बोलो हमेशा एसिंक कॉल्स का फ्यूचर आएगा मेक सेंस Now this response is giving an error because everything is coming from HTTP. So we need to write it in this form, http.response. Make sense? So it's like this. Dekho guys, koi doubt hai iske andar to. Hume samajh mein aa gaya ki future mein apne paas response aayega. So I can say future, jab bhi data aayega. So there is a thing called then. So future.then is just telling us ki haan, data aaya hai abhi mere paas. Theek hai? या नहीं आया तो एरर आया कैच एरर आया तो उसका मतलब क्या है कि देन के पास से कॉल बैक अटैच करना पड़ेगा अगर डेटा आ गया तो ठीक है तो डेटा आने का मतलब क्या है डेटा आने का मतलब है http.response मेरे पास आ गया ठीक है कैच एरर का मतलब मेरे पास यहां पर एरर आ गया ठीक है तो अगर मेरे पास एरर आ गया है सो आई विल सजेस्ट कि मेरे पास प्रिंट करा दो उस एरर व्हाटएवर द एरर इज गेट जनरेटेड मेक सेंस अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया है सो आई एम सेइंग जस्ट प्रिंट अ रिस्पॉन्स देखो जी सबको क्लियर है बातें सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग टू अ सर्वर तो बहुत आसान कॉल है अगर आप ध्यान से देखो तो http.get एंड वी स्पेसिफाई द यूआरएल दैट्स इट इट गिव व्हाट इट गिव द फ्यूचर फ्यूचर हमारे पास आता है फ्यूचर के दिन में हम चेक करते हैं कि इज देयर अ रिस्पॉन्स वी गेट अ रिस्पॉन्स अदरवाइज वी गेट अ एरर दैट्स इट देखो भाई किसी को डाउट है इसके अंदर तो कोई बात मेरी समझ नहीं आई हो इस डायग्राम में कोई डाउट है इट इज नॉट क्लियर कुछ भी मिस है तो पूछना ये इंटरव्यू जरूर पूछेगा आपसे कि एसिंक का मतलब क्या होता है इसलिए आपको बताना जरूरी है ठीक है और फ्यूचर का मतलब क्या है ये आपको बताना जरूरी है ठीक है और फ्यूचर में देन का मतलब है जब भी डेटा आएगा देन कॉल होगा तो आपको समझ जाए कि गेट इमेजेस इमीडिएटली डेटा आपको नहीं देगा तो अब आप आ जाओ अपने इस कोड की तरफ तो हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पहुंचे हम और यहां से वी आर इन दिस इमेज लिस्ट हम इमेज लिस्ट पहुंचते कुछ ऐसा है ऐसे समझ भाई कि इसको बिल्कुल एक स्टोरी से अपने दिमाग में फिट करें तो कभी नहीं भूल सकते तुम लोग तो हम ऐसे लेते हैं कि सुनील पिज्जा लेने के लिए किसी शॉप पे जाता है इसे समझ जाए इस बात को कनेक्ट करना तो पिज्जा को मतलब समझ ले सुनील सर्वर से डेटा लाना ठीक है और यहाँ जो कस्टमर है सुनील इसे हम समझ लेते हैं कि इट इज लाइक अ फ्लटर ऐप कि फ्लटर की अपनी एप्लीकेशन है यानी कि फ्लटर के एप्लीकेशन में कौन चल रहा है इवेंट लूप तो इस बंदे को समझ ले शॉर्ट में हम ले लेते हैं इवेंट लूप है ठीक है जिसे हम कस्टमर बोल रहे हैं ये कस्टमर पिज्जा लेने गया यानी कि सर्वर के पास गया सर्वर ने कहा भाई पिज्जा लाने के बनाने के लिए मुझे 30 मिनट्स लगते हैं तो इसे समझ कि सर्वर डेटाबेस में से डेटा निकालने में कुछ टाइम लगाता है आइदर 2 सेकेंड ऑफ टाइम और आइदर 5 सेकेंड ऑफ टाइम ये डिपेंड्स करता है
तो ऐसे समझ ले 30 मिनट्स जैसा कुछ टाइम है। अब मैंने यहाँ पिज्जा के लिए रिक्वेस्ट करी, तो जब मैंने इसे रिक्वेस्ट करी तो इसने बोला भाई मैं अभी तो डेटा नहीं दे, मतलब पिज्जा तो दे नहीं सकता। इसी तरीके से हमने सर्व फ्लटर के एप्लीकेशन ने भी सर्व को रिक्वेस्ट करी, इसने कहा अभी डेटा तो नहीं मिलेगा, डेटा लाने में तो 2 सेकंड से 5 सेकंड लगाऊंगा, इसने बोला 30 मिनट लगाऊंगा। तो इसने बदले में हमें क्या दिया रिस्पॉन्स में, इसने कहा मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि पिज्जा आपको 30 मिनट बाद मिलेगा, तो मैं आपको एक स्लिप देता हूँ, ऑर्डर स्लिप देता हूँ, इसे तुम अपने पास रख लो। तो तुमने ऑर्डर स्लिप रख लिया अपने पास, तो यहाँ जो ऑर्डर स्लिप ये दे रहा है ये हमारे लिए क्या है, फ्यूचर है। कहता रिस्पॉन्स तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। अब सोचो ना इसकी वजह से, क्योंकि ऑर्डर स्लिप इसे मिल गई है तो अभी फ्री है ना, ये कह रहा मैं तो फ्री हूँ, मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, अपने फ्रेंड से कॉल लगा के बात कर सकता हूँ, मैं कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो सकता हूँ क्योंकि मैं हैंग नहीं हूँ। अगर ये मुझे यहीं बिठा लेता, कहता बैठे रहो यहाँ पर जब तक पिज्जा नहीं मिल जाएगा, यहीं बैठे रहना, तो मैं हैंग हो जाता, इसका मतलब सिंक हो जाता। लेकिन इसे मुझे रिस्पॉन्स में, यानी कि मैंने रिक्वेस्ट करी, इसे मुझे रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स में मुझे क्या दे दिया, फ्यूचर पकड़ा दिया। इसने कहा फ्यूचर में, यानी कि स्लिप है हमारे पास, इसके अंदर डेटा आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो हमारे पास फ्यूचर है, तो हम फ्यूचर के ऊपर देन लगा छोड़ देंगे। देन का मतलब जब भी डेटा आए देन चल जाए, नहीं तो एरर आ जाए तो कैच एरर चल जाए, समझ आ रही बात। तो सेम हम यहाँ बोल रहे हैं कि भाई तूने हमें स्लिप तो दे दी, ऑर्डर स्लिप तो दे दी, जब डेटा आए तो मेरा ऑर्डर नंबर बुला लेना। तो पिज्जा वाले क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं आपको किसके हिसाब से, ऑर्डर नंबर के हिसाब से, और आप अपना पिज्जा कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो डैट कॉल लगाने का मतलब क्या है कि हमने इसको अपना फंक्शन पकड़ा दिया, डेट इज कॉल्ड कॉल बैक। सेम हम यहाँ सर्वर को क्या पकड़ा देंगे, कॉल बैक फंक्शन, यहाँ हमने अपना ऑर्डर नंबर पकड़ा रखा है उसे, समझ में आई बात सुनील। तो जब भी एसिंक कॉल्स होती है वी डू नॉट वेट, वी गेट अ फ्यूचर, एंड फ्यूचर पे हम देन लगाकर, तो फ्यूचर में क्या मिल सकता है, या तो पिज्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो इसका या तो देन मिल सकता है, कैचर मिल सकता है। हाँ जी, सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो गई है। इवन आप इंटरव्यू के टाइम पे पूरी पिज्जा की स्टोरी सुनाकर आ सकते हो, एक्सेप्टेड है सब कुछ, क्योंकि आपको पता है फिर इसका मतलब, अगर आप पूरी कहानी बता रहे हो सिंक और एसिंक की, तो बस आपको इतना समझना है कि सिंक में डेटा इमीडिएट मिलता है क्योंकि उसके बाद ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, ए प्लस बी करना है, ज्यादा बड़ी प्रोसेसिंग थोड़ी है। लेकिन अगर डेटा किसी फाइल में से लेकर आना है, डेटा नेटवर्क से लेकर आना है, तो टाइम लगेगा, तो हमेशा एसिंक ही करना है, वरना एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने टेस्ट कर ली बात, अब बात आती है इसको कोड को चलाकर टेस्ट कर देगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं अपने, हम पहुंचते हैं इमेज लिस्ट पे। इमेज लिस्ट पे बोलते हैं कि भाई डेटा लिया, तो डेटा लाने के लिए हम इसे बोल देते हैं इनिट स्टेट पे लिया, इनिट स्टेट पे डेटा लाने का काम कर। तो इनिट स्टेट पे मैंने इसे बोला कि डेटा लाने का काम कर, तो यहाँ गए हम, ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं सर्वर पे हूँ तो सर्वर पे मैं एक स्टैटिक मेथड बना के छोड़ देता हूँ ताकि सर्वर का इंस्टेंस ना बनाना पड़े, तो इसलिए मैंने स्टैटिक मेथड बना दिया। और यहाँ बोलता हूँ सर्वर डॉट गेट इमेजेस, बस इसे कॉल लगा देता हूँ। तो गेट इमेजेस से क्या होगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा लाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप इस बात से ये समझना कि ये जब डेटा लेकर आ रहा हो, ये एसिंक फैशन लेकर आ रहा होगा, तो मेरी एप्लीकेशन हैंग नहीं होगी, मेरी एप्लीकेशन पूरी छप जाएगी, यानी कि वेट नहीं करेगी इस डेटा लाने का, समझ लो, मेरी एप्लीकेशन छप जाएगी। यहाँ पर ऐप बार भी बन जाएगा, कंटेनर बन जाएगा, कंटेनर पे कलर भी दे दो ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ भाई कंटेनर बना है। तो सपोज हमने यहाँ जाकर लाइट ग्रीन कलर देकर छोड़ दिया, अब एक बार इसे रन कर दो यहाँ पर, तो मैंने इसे रन कर दिया। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे यहाँ पर जब ये चलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक चीज, प्रिंट इनिट कॉल, ठीक है, ताकि तुम्हें दिख जाए कि इनिट कॉल चला है। फिर यहाँ लिख भी देता हूँ प्रिंट इनिट कॉल एंड्स, तो इनिट कॉल एंड भी हुई है, ये सब मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया। ठीक है, इतने मेरी एप्लीकेशन चल रही है, तो तुम्हें देखिएगा इनिट कॉल एंड इमीडिएटली, और उसके बाद वो बिल्ड चला देगा, और बिल्ड चलेगा, बिल्ड जाके स्क्रीन पे छापाएगा, फिर डेटा आ जाएगा थोड़ी देर में, और डेटा फिर यहाँ छप रहा होगा क्योंकि हमने डेटा को भी यहीं छापा है। तो अगर आप देखोगे तो ये चलेगा और डेटा छप जाएगा, इससे हमें पता लगेगा हमारी एप्लीकेशन कहीं पर भी रुकी नहीं, ब्लॉक नहीं हुई। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, वो पीछे से जाके डेटा लेकर आ रहा है, इतनी अपनी स्क्रीन चल रही है, तो दोनों काम हो गए अपने एक बारी में। ठीक है, और वो भी सिंगल थ्रेड से हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिहाइंड द सीन वो सिंगल थ्रेड है, एसिंक थ्रेड्स पीछे बनी हुई है। ठीक है, तो इसे अप होने देते हैं, पहले यहाँ आते हैं, यहाँ हम अपनी ऐप देखते रहते हैं, और यहाँ नीचे लॉग भी पढ़ते रहते हैं। ध्यान देना, नीचे जो लॉग आ रहे हैं इसको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल होने गया। ठीक है, तो इनिट चला, इनिट कॉल एंड भी हो गया। देखो यहाँ छप भी चुका, अब थोड़ी देर बाद इंस्टेंस और रिस्पॉन्स आया, तो इंस्टेंस और रिस्पॉन्स का मतलब है तुम्हारे पर रिस्पॉन्स आ गया है। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आ गई। अब अगर तुम्हारे पर रिस्पॉन्स आ गया, तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, विच दिस इज आई वांट टू चेक, तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिख दो, तो रिस्पॉन्स की बॉडी तुम्हें दिख जाएगी। तो एक काम करो, फिर से चला दो, अप कर दो, तो देखो तुम्हें दिखेगा कि भाई इनिट कॉल इनिट स्टेट, और फिर देखो थोड़ी देर बाद डेटा तुम्हारे पर छप गया, ये तुम्हारे पर डेटा आ गया।
ठीक है, अब ये डेटा सही आया है नहीं आया ये चेक करना है, तो तुम्हें पता होगा हम ओरिजिनल में जाकर इमेजेस चेक कर लेते थे। तो यहाँ देखो ये रहा जी ओरिजिनल, हमें ओरिजिनल दिख गया, उसके अंदर हमें क्या दिख गया यूआरएल की इमेज, इस पे जाकर मैंने क्लिक मार दिया, ये देखो इसने यहाँ पर खोल दिया होगा, ये आ गई इमेज, इसका मतलब सब सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस है जो आपको एक्सेप्ट करने हैं। रिस्पॉन्स तो यहाँ आ रहा है, हमें रिस्पॉन्स कहाँ चाहिए, पकड़ो जरा बात को ध्यान से, हमें रिस्पॉन्स तो यहाँ चाहिए, ये इसने तो उसे कॉल लगाया, कॉल लगा के ये आगे निकल गया, समझ लो ये तो आगे निकल गया, ये अपना इधर चला आया, अब मुझे तो रिस्पॉन्स यहाँ चाहिए, क्या करूं अब इसके लिए, कौन बताएगा मुझे क्या करूं यार अब इसके लिए। समझ पा रहे हो आप सब लोग मेरी बात कि प्रॉब्लम क्या हुई है? कंट्रोलर लगाएंगे क्या, लगाएं यार कंट्रोलर लगाएं, कंट्रोलर अगर हम लगाने की बात करें तो कंट्रोलर तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स या विजिट्स के साथ लगता है, अभी तो अपने पास विजिट नहीं है ना, हमने तो ऊपर से बुला दिया है लाइन नंबर 15 पे, वो आगे चला गया है, इतने अपनी स्क्रीन छप रही है, तो हमें ये समझना होगा ना कि जब हम इसे बुला रहे थे सर्वर डॉट गेट इमेजेस पे, तब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, है ना। अभी तुषार ने बोला वेट नहीं यार, वेट तो सिंक कर देता है दोस्त, ऐसे ऐसे तीर नहीं मारने हवा में ना कि गूगल पे हमने कहीं पढ़ा और अवेट लिख दिया, नहीं अवेट तो सिंक कर देगा, हमें तो एसिंक चाहिए अभी। अब सबको मेरी बात समझ आ रही है, देखो अब शुरू होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दैट इज कि मैं यहां जाकर बोलता हूं गिव मी डेटा नाम से एक फंक्शन आ जाता हूं, क्या कहता हूं ये मुझे डेटा देगा, कि गिव मी डेटा नाम का फंक्शन है, इसको डेटा दे दो, तो मैं यहां बोलता हूं यहां तुम एक काम करो, तुम मुझे यहाँ जो भी तुम्हारे पर रिस्पॉन्स आया ना वो मुझे दे दो यहाँ पर, तो मैंने इससे मांग लिया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में क्या रहा होगा बॉडी आ रही होगी, बॉडी में आ रहा होगा जेसन, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग जेसन तुम मुझे यहाँ दे दो, यहाँ आ जाएगी तो मैं यहाँ बोल दूंगा आई रिसीव द जेसन इन इमेज लिस्ट स्क्रीन, ठीक है, तो मुझे तो यहाँ चाहिए ना डेटा, यहाँ आ जाएगा तो मैं सब कुछ कर दूंगा, तो मैं यहाँ जाके डॉलर जेसन लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख दिया गिव मी डेटा, मुझे डेटा दे दो, अब ये मेरा फंक्शन है। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं गिव मी डेटा नाम के फंक्शन को इसको पास कर देता हूं, तो मैंने बोला जब सर्वर इमेजेस लेकर आएगा तो इस फंक्शन को पकड़ ले भाई गिव मी डेटा को, ये फंक्शन मैं अपना तुम्हें हैंडओवर कर देता हूं, तो गेट इमेजेस के पास ये फंक्शन यहां से पहुंच गया, तो इसने यहां इसे रिसीव कर लिया एज अ पैरामीटर, ध्यान देना इसने रिसीव कर लिया एज अ पैरामीटर। अब मैंने बोला कि भाई प्रिंट करना नहीं है यहां पर, तुम ये काम करो कि मेरे फंक्शन गिव मी डेटा को तुम अपना जेसन दे दो, तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में पड़ा है जेसन, सबको मेरी बॉडी डाइजेस्ट हो रही है, तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ आना चाहिए कि मेरे पास फंक्शन यहां था, मैंने इसको पास कर दिया इसको, तो इसने अपने को एज अ आर्गुमेंट यहां पहुंचा दिया, तो यहां ये फंक्शन रिसीव हो गया, यहां एफ एन में क्या पड़ा है गिव मी डेटा नाम का फंक्शन, और यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा हो रहा है, तुम्हें ये दिखना चाहिए कि वो एफ एन नहीं है, वो असल में क्या है गिव मी डेटा, और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में क्या था जेसन, तो इसका मतलब जब हमने fn को कॉल लगाया तो गिव मी डेटा कॉल हुआ, और गिव मी डेटा कॉल होने का मतलब है कि वी आर गोइंग बैक टू दिस एरिया, हम यहां गए, ठीक है, और उसके पास अपने पास आ गया जेसन एंड दिस जेसन इज हियर, बताओ भाई, तो ये आपको समझ आया कि इस तरीके से तुम डेटा लेकर आते हो, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक मैकेनिज्म, ठीक है, ये कॉल बैक मैकेनिज्म है, फंक्शन प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास किया जा सकता है एज आर्गुमेंट, वो हमने पास कर दिया। देखो भाई डाइजेस्ट किया सब लोगों ने, सबको मेरी बात समझ में आई है कि कॉल बैक का फायदा क्या है, किस तरीके से हम डेटा खींच सकते हैं वहां पर से, हमने डेटा खींच लिया यहाँ पर, अब यहाँ दिखना चाहिए हमें डेटा, अगर ये लाइन प्रिंट हो गई तो इसको मतलब अपने पास डेटा आ गया है। चलो जी टेस्ट करते हैं, इसे रीरन करते हैं एप्लीकेशन को और रन पे पहुंचते हैं, इनिट कॉल इनिट एंड्स, और ये देखो जी डेटा आया, अब जो डेटा आया तो देखो लिखा है आई रिसीव द जेसन इन इमेज लिस्ट स्क्रीन, इसका मतलब मेरे पास डेटा आ गया इमेज लिस्ट स्क्रीन पे, इमेज स्क्रीन पे जो डेटा आ गया है वो साफ समझ आ रहा है, इसका मतलब यहां आ गया डेटा, अब अपने हाथ में डेटा है बस, अब अपने पास डेटा है, तो ये तो था स्ट्रिंग, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स में, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स पे तो काम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देना हमें मिलता है एक पैकेज, वो पैकेज आता है डॉट कन्वर्ट नाम से, तो इस पैकेज को यूज करके हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो डॉट कन्वर्ट एज As convert, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो इसको भी एलियाजिंग दे दी मैंने, ठीक है,
कन्वर्ट को भी, और कन्वर्ट पे जाकर ध्यान देना मैंने लिखा कन्वर्ट डॉट जेसन डी कोड और उसमें जेसन डाल दिया। जैसी मैं ऐसा करता हूं, देखो जैसी मैं जेसन डी कोड करता हूं तो ये क्या करता है, ये मुझे एक मैप निकाल कर देता है क्योंकि इसे पता है की स्ट्रिंग है और उसके अंदर जो वैल्यू हो सकती है वो डायनेमिक हो सकती है, तो इसने मुझे एक मैप दे दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक मैप आ गया और मैप एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसमें से कुछ भी निकाल के लेकर आ सकता हूं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहां जाके इस लाइन को तो कर देता हूं कमेंट, ठीक है, और यहां बोलता हूं प्रिंट ऑल द डेटा इज इनसाइड द मैप। तो मेरे पास सारा डेटा मैप में आ गया। तो मैजिक क्या है, मैजिक ये कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट में एक जेसन डीकोड नाम का मेथड है जो हमें जेसन दे देता है। बस अब यहां जाके आप दो डॉलर मैप, फिर से चलाओ जिस बात को, फिर से चलाते हैं हम, फिर से ये ऐप चलेगी हमारी और ये देखो जी फिर से डेटा आया और ये आ गया आफ्टर ऑल द डेटा इनसाइड द मैप। अगर आप देखो तो डेटा पूरा मैप में, अब तुम बड़े प्यार से खींच सकते हो डेटा को। तुम लिखो मैप है तो मैप की की है, पहली की क्या है, डेटा है, ये लिख दिया जी मैंने डेटा। उसके अंदर जो की थी, अगर हम ध्यान से देखें उसके अंदर जो की थी वो बेटर तुम यहां से देख सकते हो पोस्टमैन से भी। तो अगर मैं तुम्हें पोस्टमैन से दिखाऊं तो तुम्हें दिख जाएगा क्योंकि पोस्टमैन में रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी थी, है ना, यहाँ थोड़ी रीडेबिलिटी खराब है इसके कंसोल पे। तो पोस्टमैन खोल लो ज्यादा बेटर है, पोस्टमैन पे गिफी वाली सर्विस को हिट लगा लो, वहां जेसन थोड़ा फॉर्मेटेड आ रहा है और उस फॉर्मेटेड में आसानी से देख के तुम की नोट कर सकते हो और की नोट करके चला सकते हो। तो ये तरीके सिखा रहा हूं कि तुम कितने काम कर सकते हो। तुम्हें समझ आएगा कि डेटा की के अंदर एक एरे बैठा हुआ है, तो एरे है तो मैं बोल देता हूँ जीरोथ, ठीक है, तो यहां लिख देता हूँ जीरोथ। तो तुम्हें ना मैं बेटर है इस लाइन को कमेंट कर दें और यहां जाके लिख के दिखाता हूं। ये करली ब्रैकेट डाला हम लोगों ने क्योंकि एक्सप्रेशन है, तो डेटा की है फिर उसके अंदर एरे है जीरो, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए, इसे रीरन कर दो, ठीक है, इसे रीरन किया इनिट कॉल, ये सब छप चुका है, ये भी आ चुका है, अब सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, बस देखो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है सिर्फ। अब जो एक रिकॉर्ड आ रहा है तो हमें बदल गया उसके अंदर, अगर हम उस रिकॉर्ड के अंदर देखना जरा, तो अगर हम उसके अंदर इमेजेस में पहुंच जाए, तो मैं अगर इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की हम ऐसे एक्सेस करते थे इमेजेस नाम की में पहुंच जाए, तो हम की में पहुंच गए, और इस की के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ एक ओरिजिनल नाम की है, तो हम इसके अंदर ओरिजिनल नाम की के अंदर पहुंच जाए, ओरिजिनल नाम की के अंदर यूआरएल नाम की है, तो ये समझ आए, देखना इसलिए बहुत जरूरी है, और इसमें जाकर तुम यूआरएल नाम की पहुंच जाओ, दैट्स इट, बस लाइफ आसान, मिल गई थी डेटा तुम्हें। अब देखो सीधा यूआरएल छपना चाहिए यहाँ पर, इनिट कॉल स्टार्ट एंड, और देखो सिर्फ यूआरएल क्लिक मारा तुम्हें यूआरएल मिल गया, इस यूआरएल पे वो इमेज दिख जानी चाहिए, इमेज आ गई, सबको मेरी बात डाइजेस्ट है गाइस, ये तरीका है डेटा खींचने का। अब तुम सोचो अगर तुम्हारे पास जो जेसन था तुम उसमें से नहीं खींच कर आ सकते, उसमें स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को तुम रिट्रीव नहीं कर सकते, तो तुम्हें सबसे मेन काम क्या हो गया, हमें डेटा निकालना आ गया, हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना भी आ गया, हमें एचटीटीपी कॉल लगानी भी आ गई, हमें फ्यूचर भी समझ आ गया, हमें कॉल बैक भी समझ आ गया, बहुत सारी चीजें हमने जोड़ ली, बस अब स्क्रीन पे रेंडर करने का काम बचता है अपना, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से अचीव कर लिए। देखो भाई कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, कल हम स्क्रीन रेंडरिंग पे ध्यान देंगे कि डायनेमिक डेटा तो आ गया, अब इस डायनेमिक डेटा को स्क्रीन पे कैसे रेंडर करेंगे, तो डायनेमिकली रो कॉलम्स कैसे बना सकते हैं और उसके शॉर्टकट भी क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। देखो कोई डाउट है इसमें तो, और फिर सर्च वाला ऑप्शन भी बनाएंगे इसके अंदर कि सर्च कैसे काम करता है, ठीक है, मैं इतने अपलोड कर देता हूँ ये कोड, कोई डाउट है तो आप सब पूछो जरूर, ठीक है। अभी भी यार गाइस हमारे बैच में कुछ ऐसा होता है कि 15-20 मिनट पहले लोग गायब होने शुरू होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगर आप लोगों की जगह बैठा होऊंगा तो मैं आऊंगा ही नहीं क्लास में, समझ रहे हो, अगर मेरे को आधा घंटे पहले गायब होना है मैं आऊंगा ही नहीं क्लास में, फायदा क्या आधी नॉलेज का, समझ रहे हो, तो इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को कम्युनिकेट करो, या तो पूरा बैठो या मत बैठो, फायदा नहीं, इससे बेस्ट है यार कोई मूवी देखो, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, यूट्यूब है, इन सब में टाइम पास करो, टाइम पास करके जिंदगी मजे लो, क्या करोगे पढ़ लिख के, समझ लो आधे घंटे पहले जो गायब होते हैं पढ़े ही ना, है ना, मतलब उसे यूटिलाइज करें ना, किसी ऐश कर रही तो पूरी ऐश करी, पढ़ाई करी तो पूरी पढ़ाई करी, जिंदगी में खुश तो रहेगा ना इंसान कि मैं अपनी जिंदगी में ऐश करता रहा था या मैं पढ़ता रहा था, आधी ऐश आधी पढ़ाई किसी काम की नहीं, ठीक है जी। रोहित का क्वेश्चन आया ऑब्जेक्ट वाला पार्ट बता दो, ठीक है जी। देखो यार रोहित बहुत सीधा फंडा यार, देखो ये तुम्हारे पास आ रहा है जेसन, जेसन है दो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से सोचो जरा, सोचना जरा कि स्ट्रिंग में से डेटा निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तुम्हारे पास डेटा है रोहित, ऐसे
इस फॉर्म में, डबल कोट्स में था अगर तुमने ध्यान दिया तो, कॉलन था फिर डबल कोट्स में डेटा था, ऐसे इस फॉर्म में डेटा पड़ा था। अब तुम इसमें से डेटा खींच नहीं सकते थे कभी भी, क्योंकि सब कुछ स्ट्रिंग था, क्योंकि पूरा सब कुछ स्ट्रिंग था। तो तुम्हें क्या करना पड़ता, स्ट्रिंग में याद करना, सब स्ट्रिंग जैसे मेथड होते हैं उसमें इंडेक्सेस देने पड़ते, याद करने पड़ते। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार इसको उठाकर अगर मैं इसे मैप में कन्वर्ट कर दूं तो मैप में तो सीधा की वाइज एक्सेस कर सकता हूं सारी चीजों। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे पास की होंगी, की से सीधा वैल्यू पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को पता था जेसन डी कोड नाम से मेथड है, जो असल में जेसन डी कोड नाम का मेथड कहां से आता है, डार्ट कन्वर्ट नाम के पैकेज में आता है, जो डार्ट में ऑलरेडी है तो वहां से आता है, वहां से आता है। तो ये तुम्हें मैप दे देता है, ठीक है, सीधे सीधा, क्योंकि की ध्यान से समझो, ये की थी, ये वैल्यू थी, तो मैप में भी क्या होती है की और वैल्यू, लेकिन एटलीस्ट ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई। आई होप रोहित ये बात समझ में आई। अगर ये कन्वर्ट हो गई तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने जाकर इन चीजों को जाकर, क्योंकि मेरे पास मैप आ गया तो मैंने सिर्फ की पढ़ी यहां जाकर पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन में देखा मैंने भाई पहली की का नाम क्या है, तो मैंने देखा डेटा है, उसके अंदर वैल्यू पे ध्यान दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट दिख गया, तो मेरे को समझ आ गया इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एरे है, एरे तो उसके इंडेक्स पे पहुंच जाओ। फिर कर्ली ब्रैकेट देखा तो समझ आ गया फिर की वैल्यू है, तो फिर मैं पहुंच गया इसकी की पे इमेजेस के अंदर, फिर इमेजेस के अंदर एक और की मिली ओरिजिनल, फिर उसके अंदर फिर एक और की मिली यूआरएल। इस बेसिस पे मैं इसे ऐसे लिखता चला गया, ठीक है, एक बार लिख जाता हूं मैं यहां। तो इस बेसिस पे मैं ऐसे लिखता चला गया कि मैप, फिर उसकी की, फिर उसकी वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू, बस दैट्स इट, इतना मैंने कर लिया। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, रोहित को भी, प्रथम को भी, तो आई होप ये सबको डाइजेस्ट हुआ कैसे कैसे बोलना, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूं, कोई डाउट है तो आप इतने पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज, क्योंकि जब तक मैं अपलोड करूंगा कोड को तब तक आपके पास क्वेरीज पूछने का पूरा पूरा टाइम है। मानव का क्वेश्चन है कि इमेज डॉट नेटवर्क में यूआरएल रखने पे इमेज शो नहीं होती है, बट इमेज एसेट में इमेज शो हो जाती है। नहीं यार, होती है ना इमेज, अभी हम करेंगे देखो, तो इसको हमने पहले भी करी है, तो अगर हम आगे चलते हैं तो इमेज ऐसे। सर मैंने मतलब पहले करी थी वो, नहीं सर पहले मैंने करी थी, यूआरएल देगा हो गया था पहले, बट जब कल देख रहा था मैं और कोड भी सही लिख रहा था, टेक्स्ट तो हमारा आ रहा था जो मैं उसमें ले रहा था, इसको चिल्ड्रन में इमेज नेटवर्क और फिर टेक्स्ट एक ले रहा था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट तो मेरा शो हो रहा था बट इमेज नहीं शो हो रही थी, और जो मैंने यू आर एल लिया था वो भी जेपीजी तक ही लिया था। मतलब अभी चेक कर देते हैं, चाइल्ड है अपने पास, है ना, इस चाइल्ड में अपने पास ये पूरी इमेज आई है, अगर आप ध्यान दो तो ये पूरी इमेज आई थी अपने पास, है ना। इस इमेज को मैं यहाँ रख लेता हूँ, देखो स्ट्रिंग आईएमजी नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, इस आईएमजी में रख देता हूँ, और यहाँ बोल देता हूँ कि भाई अगर इमेज आएगी ना तो इमेज आते ही इसमें भर देना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट स्टेट, ये आपको पता है सबको सेट स्टेट, और ये पूरा कोड यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और img में से डाल देता हूँ, ठीक है, तो इमेज आ जाएगी, सेट हो जाएगी। ये हटा देते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना, ये आगे देखो आपके पास इमेज। अब मैं यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है, और यहां से पेस्ट मार देता हूँ img को, ठीक है, img को मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया, ठीक है। अब जब डेटा आएगा तो यहाँ दिखाना शुरू कर देगा, इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि इमेज क्योंकि डायनेमिकली आने वाली है, तो जब इमेज नहीं आ रही होगी, क्योंकि एकदम तो नहीं आएगी ना, टाइम लगेगा, समझ रहे हो बात, इमेज एकदम तो नहीं आएगी, टाइम लगेगा, तो इस बात को शो करने के लिए कि इमेज नहीं आएगी शुरुआत में, तो मैंने यहाँ पर जाकर ऐसे चेक कर लिया, अगर इमेज, और इसको ना मैं नल रख देता हूँ बेटर है और क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ, कुछ नहीं डालता, तो आप सबको पता है नल है, नल है, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, अगर इमेज नॉट इक्वल टू नल है तो दिखा देना भाई, इमेज नहीं है तो तुम यहां जाके लिख देना टेक्स्ट नो इमेज फाउंड, ठीक है, तो थोड़ी देर तक ऐसा रहेगा। अब इसे चला लेते हैं, देखो इसे रन करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी बात जो मैं बता रहा हूं। तो देखो अभी कोई इमेज यार लिखा रहा है नो इमेज फाउंड, और थोड़ी देर बाद इमेज लोड हो जाएगी यहां पर, देखो लोड हो गई, हाँ जी समझ में आई बात है, जिनका क्वेश्चन था कि कैसे काम कर रहा है। सर मैंने इसी तरीके से यूज किया था बट हो नहीं पाया था यार, वो या तो स्लो नेटवर्क होगा, कुछ ना कुछ
ओके सर, मैं एक बार चेक करके ठीक है जी। अच्छा अब देखो अमन का क्वेश्चन है, अमन शायद ऐसा बोल रहा है कि मेरे को अलग अलग जगहों से इमेजेस लेकर आनी है, ऐसा है ना अमन? ठीक है कि अलग अलग जगहों से अलग अलग एपीआई से इमेजेस लेकर आने, तो यार आपको बार बार कॉल लगानी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग यूआरएल्स होगी, तो http.get मल्टीपल टाइम्स लगेगा, फिर उनसे डेटा क्लब करके आप अपना डेटा बना सकते हो खुद का। ठीक है, जैसे ट्रिवैगो करता है, ट्रिवैगो बहुत सारी जगह से कॉल लगाता है, फिर डेटा लेकर आता है, फिर दिखाता है उसे। क्लियर बात है? तो अलग अलग वेब एपीआई के लिए अलग अलग कॉल्स लिखनी पड़ेंगी बार बार। ठीक है, उसको आप जेनरिक बना सकते हो, मैं सिखा सकता हूँ कि ये वाला कोड ऐसा बना दिया जाए कि वो जेनरिक हो जाए एक बार। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई? इतने में कोड पुश कर रहा हूं गिट पे। नहीं, ज्यादा रिक्वेस्ट करने से कोई ऐसी ऐप क्रैश नहीं हो गया, वो इंटेलिजेंटली करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, अब अमन का क्वेश्चन है कि अगर हम क्वेरी बदलते, तो यार सिर्फ क्वेरी में तो पैरामीटर है, वो पैरामीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब हम डेटा अलग अलग लेकर आएंगे लेकिन कोड एक बार लिख के छोड़ देंगे। तो ये हम करने वाले हैं ना, इसी में सर्च का फीचर बनाएंगे तब हम यही काम करेंगे। ठीक है, इस पे आते हैं, एपीआई कॉलिंग वाले पे आते हैं। मैं आपको दो फाइलें शेयर करूंगा आज, लिब और pubspec.yaml, क्योंकि इन दो में चेंजेस किए हम लोगों ने। कोड 6 यहां डाल देता हूं एक बार मैं, कोड 6 फोल्डर। शिव का क्वेश्चन है ग्रीट ऐप, यार ग्रीट ऐप में मुझे या इसी में देख लो क्योंकि बात तो एक ही है। ये जो हमने किया है इमेज लिस्ट में, देखो जब भी हम स्टेटफुल विजिट बनाते हैं तो एक स्टेट मेंटेन करता है, ये डेटा मेंटेन करने के लिए, ये व्यू मेंटेन करने के लिए, तो व्यू में डेटा मिक्स होता है इसलिए हम इसे एक्सटेंड करते हैं, समझ रहे हो बात? तो डेटा को हम स्टेट बोलते हैं। तो आपको समझना है सिर्फ कि ये डेटा मेंटेन करने के लिए है, ये डेटा मेंटेन करने के लिए, डेटा का मतलब स्टेट है यहाँ पर, और ये सिर्फ व्यू मेंटेन करने के लिए है। व्यू मतलब जो दिखेगा, लेकिन व्यू हमेशा किस पे डिपेंडेंट होता है? डेटा पे या स्टेट पे। ठीक है, इसलिए हम इसे एक्सटेंड करते हैं, इसलिए हमें एक्सटेंड लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो जिसमें भी डेटा बदलता रहे, चेंज होता रहे, क्लिक करने पे कुछ हो, वहां हमें स्टेटफुल विजिट बनानी पड़ेगा। स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए दो क्लासेस बनेंगे, एक डेटा के लिए और एक व्यू के लिए, यानी कि एक स्टेट के लिए और एक व्यू के लिए। समझ में आ गई बात? है, ये कोड मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों का, ये कोड आपका अपलोड हो गया है। ठीक है गाइस, तो अब हम कल मिलेंगे और कल हम इसके आगे फ्रंट एंड बिल्ड कर देंगे जो कि डायनेमिकली बिल्ड होगा। ठीक है, चलो गाइस, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन एंड वी विल मीट टुमॉरो। थैंक यू।